हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है आई बी सेवन वन तो आई बी सेवन वन फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलेगी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एक डीप में एनालिसिस किया जाएगा इसके अलावा इस फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा करेंगे इस फिल्म के ऊपर डीप में एक्सप्लेनेशन देंगे साथ ही में अलग अलग स्पेक्ट के ऊपर बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी हम एक डीप में जानकारी देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं आई बी सेवन वन जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है यह फिल्म 1970 इंडियन एयरलाइंस हाईजेकिंग जो हुई थी उसके ऊपर बेस्ड है जहाँ पे स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें संकल्प रेड्डी ने की हुई है वैसे स्क्रीन प्ले में संकल्प रेड्डी को स्टोरी हाउस फिल्म एलएलपी अर्जुन वर्मा ई वासुदेवा रेड्डी अरुण भीमावरपू निशिकेश मेहरा गर्गी सिंह और अभिमन्यु श्रीवास्तवा ने मदद की थी जो डायलॉग्स से उसमें शहर और जुनेद वासी ने काम किया हुआ था स्टोरी के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य शास्त्री ने वो आइडिया पेश किया हुआ था जिसमें बाद में आगे जो डेवलपमेंट थी वो की हुई थी इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि संकल्प रेड्डी ने संकल्प रेड्डी एक काफ़ी आ, एक कैपेबल डायरेक्टर है इससे पहले उन्होंने 2017 की जो द गाजी अटक फिल्म थी उससे अपना डेब्यू किया था तेलुगू हिंदी लैंग्वेज में वो फिल्म बनाई हुई थी उसके बाद में उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट हाथ में पकड़ा अंतरिक्ष सम नाइन हंड्रेड नाइन किलोमीटर पर आवर तेलगू लैंग्वेज में वरुण तेज को लेते हुए उसमें भी एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म उन्होंने बनाई हुई थी बाद में दो में एक एंथोलॉजी फिल्म थी पिता कथा लो उसमें उन्होंने अपना एक शॉर्ट स्टोरी तेलुगु लैंग्वेज में बताया हुआ था पिंकी सेगमेंट था उसमें और उसके बाद में दो तो में फुल फ़ीचर हिंदी फिल्म के लिए उन्होंने राइटिंग और डायरेक्शन में अपना डेब्यू किया आई बी सेवन वन फिल्म के साथ तो ये इनकी फ़िल्मोग्राफी है इतनी फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है जिसमें उनको काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हुए इस फिल्म के अलावा उन्होंने गाजी फिल्म के लिए का काफ़ी सारे डायरेक्शन में और अलग अलग जगह पे अवार्ड मिले हुए थे जहाँ पे बेस्ट फीचर फिल्म तेलुगु के तौर पे नए सिक्सटी फिफ्थ नेशनल फिल्म अवार्ड इस फिल्म को दिया गया था तो ये अपने आप में बड़ी बात है बातें एक अच्छा डेब्यू किया था उसके बाद में उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए और इस फिल्म के साथ भी वो एक एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आए थे तो नाइनटी सेवेंटी इंडियन एयरलाइंस में जो हाईजेकिंग हुई थी उस समय जो भी घटनाएं घटी थी तो 30 जनवरी 1971 की डेट के ऊपर जो करीबन 29 नाइन पैसेंजर थे तो उनके साथ जो भी चीज़ें हुई थी उसके ऊपर पूरी फिल्म की कहानी को सेटअप किया हुआ है अब बात कर लेते हैं प्रोडक्शन की तो विद्युत जामवाल अब्बास सैयद रिलायंस एंटरटेनमेंट भूषण कुमार और कृष्णा कुमार ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे टी सीरीज़ फिल्म्स रिलायंस एंटरटेनमेंट एक्शन हीरो फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन अट्ठाईस करोड़ जितने मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था जिसको रिलायंस एंटरटेनमेंट जो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर थे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था जहाँ पे रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा एक घंटे और सत्तावन मिनट लंबी को एडिट किया हुआ था तो फिल्म को काफी क्रिस्प रखा हुआ था आनंद शेखर वी एस की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती जिन्होंने बखूबी काफी बढ़िया तरीके से कैमरा वर्क दिखाने की कोशिश की हुई थी फिल्म का कैमरा वर्क भी अच्छा था एक्शन कोरियोग्राफी काफी बढ़िया तरीके से की गई थी इसके

बढ़िया था जो काफी अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा था सीन को एलिवेट करने की कोशिश कर रहा था सॉन्ग्स थे विक्रम मंत्र से के द्वारा कंपोज किए गए थे एक गाना गाना को तो वो भी गाना अच्छा तरीके से सेट किया हुआ था तो इस तरह से टेक्निकली काफी वेलमेड तरीके से फिल्म को बनाया गया था जहां पर आर्टिस्ट जैसे कि विद्युत जामवाल अनुपम खेर विशाल जीतवा फैजाल खान और डेनी सूरा जैसे कई और भी आर्टिस्ट देखने को मिलते जो काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ अपना काम देते हुए नजर आते विद्युत जामवाल काफी बढ़िया तरीके से अपने रोल के साथ इंप्रेसिव नजर आते हैं उनको अनुपम खेर विशाल जेतवा जैसे एक्टर काफी थे उस पर सभी तरह से के के तो मेकर्स ने, डायरेक्टर ने काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने ये सभी चीजें उनसे अच्छी परफॉर्मेंसेस निकलवाई हुई थी कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो विद्युत जामवाल लीड रोल में देखने को मिलते है जिन्होंने आई एजेंट देव जामवाल का रोल प्ले किया हुआ है अनुपम खेर ने आई चीफ एन एस अवस्थी का रोल प्ले किया हुआ था विशाल जेतवा को कासिम कुरैसी का रोल दिया गया था फैजान खान ने फाकुरैसी का रोल प्ले किया हुआ है डेनी सूरा को सिकंदर का रोल दिया हुआ था जोशी को एजेंट संग्राम का रोल दिया हुआ था वाला अब्दुल हामिद खान के रोल में दिखाई देते हैं भट्ट ने इस फिल्म में आई चीफ अफजल आगा का रोल प्ले किया हुआ दलीप ताहिल इस फिल्म में जुल्फिकार अली भुट्टो का रोल प्ले करते हुए नज़र आए थे सानवान प्रधान ने इसमें यहाँ खान का रोल प्ले किया हुआ है मीर सार ने एस आई जे एंड के पोफी पुलिस का रोल प्ले किया हुआ था नरेश मलिक ने मकबूल भट्ट का रोल प्ले किया हुआ था निरहारी निर हारिकार आई एजेंट एयर होस्टेस के रोल में दिखाई देती है विजय आनंद जो इसमें फ्लाइट कैप्टन के रोल में दिखाई दिए थे तबन मजबूदार के रोल में शाहिदुर रहमान देखने को मिलते प्यारिली नाइनी ने इसमें शिमला स्टेशन मैनेजर का रोल प्ले किया हुआ है अमित आनंद राउत को लाहौर पुलिस ऑफिसर का रोल दिया गया था रजत रॉय को आईबी ऑफिसर का रोल दिया गया था नरिंदर भूतानी ने इसमें इंडियन एजेंट पैसेंजर का रोल प्ले किया हुआ है सवाना खान ने शिला यानी कि एक पैसेंजर का रोल प्ले किया हुआ था तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो दो हजार में इस आइडिया को एक प्रोजेक्ट के तौर पर डेवलप करने का सोचा गया था उसके बाद में इसके डिरेक्टर ने पहले तो आइडिया डायरेक्टर को पसंद आया उन्होंने इसके ऊपर स्क्रिप्ट प्ले तैयार किया और उसके बाद में इस फिल्म के प्रोड्यूसर को उनको सुनाया और इस फिल्म के लीड एक्टर यानी कि विजय जामवाल को भी आइडिया पसंद आया प्रोडक्शन हाउसेस को भी पसंद आया उसके ऊपर फिल्म बनाने का फैसला लिया गया उसके बाद में एक रूमर्स तो आ रही थी कि ऐसा कुछ होने वाला है लेकिन बाद में ऑफिशियली मेकर्स के द्वारा ही अनाउंस किया गया था कि वो एक फिल्म लेके आ रहे हैं जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो जनवरी 2022 मुंबई में स्टार्ट की गई थी और मार्च 2022 में अनुपम खेर ने सेट ज्वाइन किया था उसके बाद में एक दो महीने और शूटिंग चली थी और पूरी फिल्म की शूटिंग कम्प्लीट करवाने के बाद फिल्म को प्रोडक्शन के लिए पोस्ट प्रोडक्शन के लिए भेजा गया जहाँ पर डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग और म्यूज़िक डिपार्टमेंट में काम किया गया और उसके बाद में फिल्म को तैयार करवाया गया जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिया गया और बाद में थिएट्रिकली फिल्म को रिलीज़ करवाया गया जहाँ पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के वन ऑफ द प्रोड्यूसर यानी कि टी सीरीज़ फिल्म से वही इस फिल्म को फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदते हुए नज़र आए बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों के राइट्स उन्होंने खरीदे हुए थे जहाँ पे जो गाने हैं वो विक्रम मोन्सै ने कम्पोज़ किया हुआ था वहीं पर जो बैकग्राउंड स्कोर था वो प्रशांत आर बिहारी ने कम्पोज़ किया हुआ था फिल्म में सिर्फ एक ही गाना रखा हुआ था विजया भावा जिसके लिरिक्स अभिनव शेखर ने लिखे हुए थे साहबदा फरीदी ने उसको गाया हुआ था चार मिनट ग्यारह सेकंड का वो लेंथ के गाना था जो अभी फिलहाल में अगर आपको सुनना है

इस, हासिल हुए पे इस फिल्म ने हासिल की हुई थी जहां ने एक डिसेंट पे का नेट कलेक्शन किया था जितना और ग्रोथ दिखाया के मुकाबले जहां पर तीन करोड़ दस लाख का नेट कलेक्शन निकल के आया तो इस फिल्म का जो पहला वीकेंड था वो करीबन सात करोड़ अट्ठारह लाख का निकला हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने मंडे के दिन

हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने सेकंड मंडे के ऊपर अट्ठावन लाख का नेट कलेक्शन किया ट्यूजे के ऊपर बावन लाख का नेट कलेक्शन के ऊपर पचास लाख का नेट कलेक्शन किया थर्सडे के ऊपर का नेट कलेक्शन किया जिसके चलते दूसरे वीक में इस फिल्म ने करोड़ चवालीस लाख का कलेक्शन किया तो पहले और दूसरे वीक का जो कलेक्शन था वो टोटल तो हुआ पंद्रह करोड़ पैंतालीस लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से उसके बाद में थर्ड फ्राइडे के ऊपर इस फिल्म ने अड़तीस लाख का नेट कलेक्शन किया सैटरडे के ऊपर उसमें करीबन एक जितना ग्रोथ दिखा जहां पे छियासी लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया संडे के दिन 94 फोर लेख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने थर्ड वीकेंड में करीबन दो करोड़ अट्ठारह लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में थर्ड मंडे के दिन इस फिल्म ने पैंतीस लाख का कलेक्शन किया उसके बाद में ट्यूजडे के दिन अड़तीस लाख का कलेक्शन किया वेनेस्डे के दिन थर्टी लाख का कलेक्शन किया और थर्सडे के दिन ट्वेंटी लाख का कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म ने करीबन तीन वीक के अंदर बीस लाख तीन लाख बीस करोड़ तीन लाख का कलेक्शन किया और उसके बाद में इस फिल्म ने चौथे वीक में करोड़ पिचासी लाख का कलेक्शन किया पांचवे वीक में एक करोड़ दस लाख का कलेक्शन किया और छठे वीक में पंद्रह लाख का कलेक्शन किया हुआ था तो इस टोटल कलेक्शन होता है छ वीक का तेईस करोड़ तेरह लाख तो इंडिया से तेईस करोड़ तेरह लाख का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन इस फिल्म ने निकाला जिसका ग्रोस होता है सत्ताईस करोड़ चौवन लाख उसके बाद में ओवरसीज में इस फिल्म ने एक करोड़ पैंसठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते वर्ल्ड वाइड इस फिल्म में उन्तीस करोड़ उन्नीस लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था बजट था अट्ठाइस करोड़ उन्तीस करोड़ उन्नीस लाख का ग्रोस कलेक्शन करते है। इस फिल्म ने एक एवरेज का टैग हासिल किया था वैसे फिल्म काफी बढ़िया थी लेकिन कुछ कंपटीशन थे फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पे जिसके चलते कम मिली हुई थी स्टार्टिंग से ही फिल्म ने आपने देखा जैसे कि छह वीक तक लंबा रन लिया था थोड़ा थोड़ा कलेक्शन कर रही थी क्योंकि स्क्रीन जो मिली थी जो शो की टाइमिंग थी वो काफी ज्यादा ओवर टाइमिंग थी जिसके चलते फिल्म को जो कलेक्शन करना था जो पोटेंशियल हो था फिल्म का वो नहीं हो पाया जिसके चलते अट्ठाईस करोड़ बजट के सामने उन्तीस करोड़ और उन्नीस लाख का ही कलेक्शन निकल के आया ग्रोस कलेक्शन अदरवाइज ये फिल्म शायद पचास करोड़ से ऊपर का पोटेंशियल रखती थी तो एक सक्सेसफुल फिल्म हो सकती थी वैसे फ्लॉप तो नहीं है फिल्म लेकिन एक एवरेज ग्रोसर फिल्म साबित हुई है जहाँ पे आई एम डी पी से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है इकहत्तर सौ वोट में सात पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो एक अच्छी रेटिंग है अब बात करें इस फिल्म को अब ओ और सैटेलाइट पर कैसे देख सकते हैं उसके ऊपर आई बी सेवन वन को एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते ओ टी टी में भी एक फिल्म काफ़ी अच्छी छाई हुई थी ओ टी टी राइट से वो डिज्नी प्लस वो स्टार के पास है सैटेलाइट राइट से वो स्टार गोल्ड के पास है डिजनी प्लस होटस्टार वाला ने सात जुलाई 2023 से इस फिल्म को प्रीमियर करवा दिया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे काफी अच्छी व्यूअरशिप हासिल हुई थी अब इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है फिलहाल में ओटी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर तो डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर विध इंग्लिस विध सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में आई बी नाम के साथ आप देख सकते हो सैटेलाइट चैनल स्टार गोल और स्टार गोल एच के ऊपर आप इस फिल्म को आई बी नाम वन नाम के साथ प्रीमियर होते हुए बिल्कुल फ्री में भी इंजॉय कर पाओगे सेटेलाइट के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि डिजनी प्लस होटार के ऊपर इस फिल्म

इंडियन एयरलाइंस हाईजेकिंग जो हुई थी उसके ऊपर बेस्ड है जहाँ पे स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें संकल्प रेड्डी ने की हुई है वैसे स्क्रीन प्ले में संकल्प रेड्डी को स्टोरी हाउस फिल्म एलएलपी अर्जुन वर्मा ई वासुदेवा रेड्डी अरुण भीमावरपू ऋ मेहरा गर्गी सिंह और अभिमन्यु श्रीवास्तवा ने मदद की थी जो डायलॉग्स से उसमें शहर कायज़ और जुनेद वासी ने काम किया हुआ था स्टोरी के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य शास्त्री ने वो आइडिया पेश किया हुआ था जिसमें बाद में आगे जो डेवलपमेंट थी वो की हुई थी इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि संकल्प रेड्डी ने संकल्प रेड्डी एक काफ़ी एक कैपेबल डायरेक्टर है इससे पहले उन्होंने 2017 की जो द गाजी अटेक फिल्म थी उससे अपना डेब्यू किया था तेलगु हिंदी लैंग्वेज में वो फिल्म बनाई हुई थी उसके बाद में उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट हाथ में पकड़ा अंतरिक्षम नाइन हंड्रेड नाइन किलोमीटर पर आवर तेलुगु लैंग्वेज में वरुण तेज को लेते हुए उसमें भी एक, एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म उन्होंने बनाई हुई थी बाद में दो में एक एंथोलॉजी फिल्म थी पिता कथा लो उसमें उन्होंने अपना एक शॉर्ट स्टोरी तेलुगु लैंग्वेज में बताया हुआ था पिंकी सेगमेंट था उसमें और उसके बाद में दो इस में फुल फीचर हिंदी फिल्म के लिए उन्होंने राइटिंग और डायरेक्शन में अपना डेब्यू किया आई बी सेवन वन फिल्म के साथ तो ये इनकी फिल्मोग्राफी है इतनी फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है जिसमें उनको काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हुए इस फिल्म के अलावा उन्होंने गाजी फिल्म के लिए का काफ़ी सारे डायरेक्शन में और अलग अलग जगह पे अवार्ड मिले हुए थे जहाँ पे बेस्ट फीचर फिल्म तेलुगु के तौर पे नए सिक्सटी फिफ्थ नेशनल फिल्म अवार्ड इस फिल्म को दिया गया था तो ये अपने आप में बड़ी बात है थे एक अच्छा डेब्यू किया था उसके बाद में उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए और इस फिल्म के साथ भी वो एक एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आए थे तो नाइनटीन सेवेंटी इंडियन एयरलाइंस में जो हाईजेकिंग हुई थी उस समय जो भी घटनाएं घटी थी तो 30 जनवरी 1971 की डेट के ऊपर जो करीबन 29 पैसेंजर थे तो उनके साथ जो भी चीजें हुई थी उसके ऊपर पूरी फिल्म की कहानी को सेटअप किया हुआ है अब बात कर लेते हैं प्रोडक्शन की तो विद्युत जामवाल अब्बास सैयद रिलायंस एंटरटेनमेंट भूषण कुमार और कृष्णा कुमार ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे टी सीरीज फिल्म्स रिलायंस एंटरटेनमेंट एक्शन हीरो फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन अट्ठाईस करोड़ जितने मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था जिसको रिलायंस एंटरटेनमेंट जो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर थे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था जहाँ पे रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा एक अच्छी रिलीज दिलवाई गई थी फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला था एक मिनट का रन टाइम था यानी कि फिल्म एक घंटे और सत्तावन मिनट लंबी देखने को मिलेगी जहां पे संदीप फ्रेंसिस हुआ था जिन्होंने बखूबी काफी वर्क दिखाने की कोशिश की हुई थी फिल्म का कैमरा वगैरह अच्छा था एक्शन कोरियोग्राफी काफी बढ़िया तरीके से की गई थी इसके अलावा जिस तरह से चीजों को इसमें डेवलप किया हुआ था वो बढ़िया था स्क्रीन प्ले अच्छा था मेकर्स की तरफ से अच्छा टच दिया हुआ था डायरेक्टर ने बखूबी फिल्म के साथ एक बढ़िया काम किया हुआ था कुछ चीजें जहां पे कुछ फ्लो में चेंजेस करने चाहिए थे कुछ चीजों को बेटर किया जा सकता था ओवरऑल एक डिसेंट फिल्म उन्होंने बनाई हुई थी जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी था जो स्क्रीन प्ले था वो लोगों को पसंद आया हुआ था प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक अच्छा काम देखने को मिला था प्रोडक्शन डिजाइन प्रोडक्शन वेल्यू काफी बढ़िया नजर आ रही थी आर्ट डायरेक्शन की तरफ से भी एक अच्छा काम देखने को मिलता है एडिटर संदीप फ्रेंसिस ने भी काफी बढ़िया काम किया हुआ था म्यूजिक में जो बैकग्राउंड स्कोर है प्रशांत आर विहारी का देखने को मिलता है इस सॉन्ग से वो विक्रम मोत्रोसो ने कम्पोज किए

किया हुआ था तो इस तरह से टेक्निकली काफ़ी टेक्निकलीमेड तरीके से फिल्म को बनाया गया था जहां जामवाल अनुपम खेर विशाल फैजाल खाना कहीं और भी आर्टिस्ट देखने को मिलते जो काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ अपना काम देते हुए नजर आते विद्युत जामवाल काफी बढ़िया तरीके से अपने रोल के साथ इंप्रेसिव नजर आते उनको अनुपम खेर विशाल जेतवा जैसे एक्टर काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म में सपोर्ट कर रहे थे फिल्म के डायलॉग्स अच्छे थे उस पर सभी एक्टर्स ने जिस तरह से अपने किरदार के प्रति अपरोध है, तो वो बढ़िया था मेकर्स ने डायरेक्टर ने काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने ये सभी चीज़ें उनसे अच्छी परफॉर्मेंसेस निकलवाई हुई थी कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो विद्युत जामवाल लीड रोल में देखने को मिलते हैं जिन्होंने आई एजेंट देव जामवाल का रोल प्ले किया हुआ है अनुपम खेर ने आई चीफ एन एस अवस्थी का रोल प्ले किया हुआ था विशाल जेतवाग तो को कासिम कुरैसी का रोल दिया गया था फ़ैजान खान ने अशफाक कुरैसी का रोल प्ले किया हुआ है डेनिसरा को सिकंदर का रोल दिया हुआ था सूरज जोशी को एजेंट संग्राम का रोल दिया हुआ था अब अब्दुल हामिद खान के रोल में दिखाई देते हैं अश्वत भट्ट ने इस फिल्म में आई एस आई चीफ अफजल आगा का रोल प्ले करते हुए मकबूल भट्ट का रोल प्ले किया था निरहारिका रईजादा जो आई बी एजेंट एयर होस्टेस के रोल में दिखाई देती है विजय आनंद जो इसमें फ्लाइट कैप्टन के रोल में दिखाई देते तबन मजबूदार के रोल में शाहिदुर रहमान देखने को मिलते प्यारी नाइनी ने इसमें शिमला स्टेशन मैनेजर का रोल प्ले किया हुआ है अमित आनंद राउत को लाहौर पुलिस ऑफिसर का रोल दिया गया था रजत रॉय को आईबी ऑफिसर का रोल दिया गया था नरेंद्र भूतानी ने इसमें इंडियन एजेंट पैसेंजर का रोल प्ले किया हुआ है सबाना खान ने शिला यानी कि एक पैसेंजर का रोल प्ले किया हुआ था तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो दो हजार में इस आइडिया को एक प्रोजेक्ट के तौर पर डेवलप करने का सोचा गया था उसके बाद में इस के डरेक्टर ने पहले तो ये डायरेक्टर को पसंद आया उन्होंने इसके ऊपर स्क्रिप्ट तैयार किया और उसके बाद में इस फिल्म के प्रोड्यूसर को उनको सुनाया और इस फिल्म के लीड एक्टर यानी कि विजय जामवाल को भी आइडिया पसंद आया प्रोडक्शन हाउसेज को भी पसंद आया उसके ऊपर फिल्म बनाने का फैसला लिया गया उसके बाद में एक रूमर्स तो आ रही थी कि ऐसा कुछ होने वाला है लेकिन बाद में ऑफिशियली मेकर्स के द्वारा ही अनाउंस किया गया था कि वो एक फिल्म लेके आ रहे जहाँ पे प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो जनवरी 2022 मुंबई में स्टार्ट की गई थी और मार्च 2022 में अनुपम खेर ने सेट ज्वाइन किया था उसके बाद में एक दो महीने और शूटिंग चली थी और पूरी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करवाने के बाद फिल्म को प्रोडक्शन के लिए पोस्ट प्रोडक्शन के लिए भेजा गया जहाँ पर डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग और म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया गया और उसके बाद में फिल्म को तैयार करवाया गया जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिया गया और बाद में थिएट्रिकली फिल्म रिलीज करवाया गया जहां पे म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के वन ऑफ द प्रोड्यूसर यानी कि टी सीज फिल्म वही इस फिल्म को फिल्म के के राइट्स खरीदते हुए नजर आए बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों के राइट्स उन्होंने खरीदे हुए थे जहां पे जो गाने हैं वो विक्रम ने कम्पोज किया हुआ था वहीं पर जो बैकग्राउंड स्कोर था वो प्रशांत आर विहारी ने कंपोज किया हुआ था फिल्म में सिर्फ एक ही गाना रखा हुआ था विजया भावा जिसके लिरिक्स अभिनव शेखर ने लिखे हुए थे साहबदा फरीदी ने उसको गाया हुआ था चार मिनट ग्यारह सेकंड का वो लेंथ के गाना था जो अभी फिलहाल में अगर आपको सुनना है तो

इस फिल्म ने हासिल की हुई थी जहाँ पे इस फिल्म ने एक डिसेंट काइंड ऑफ ओपनिंग हासिल की हुई थी जहाँ पे पहले दिन एक करोड़ पचपन लाख का नेट कलेक्शन किया था फिल्म ने दूसरे दिन इस फिल्म ने एक सिक्सटी सिक्सटी परसेंट का ग्रोथ दिखाया दो करोड़ तिरपन लाख का ग्रोथ कलेक्शन सॉरी नेट कलेक्शन किया संडे के दिन फिल्म ने बाईस जितना और ग्रोथ दिखाया सैटरडे के मुकाबले जहाँ पे तीन करोड़ दस लाख का नेट कलेक्शन निकल के आया तो इस फिल्म का जो पहला वीकेंड था वो करीबन सात करोड़ अट्ठारह लाख का निकला हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने मंडे के

हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने सेकंड मंडे के ऊपर अट्ठावन लाख का नेट कलेक्शन किया ट्यूजे के ऊपर बावन लाख का नेट कलेक्शन के ऊपर पचास लाख का नेट कलेक्शन किया थर्सडे के ऊपर का नेट कलेक्शन किया जिसके चलते दूसरे वीक में इस फिल्म ने चार करोड़ चवालीस लाख का कलेक्शन किया तो पहले और दूसरे वीक का जो कलेक्शन था वो टोटल हुआ पंद्रह करोड़ पैंतालीस लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से उसके बाद में थर्ड फ्राइडे के ऊपर फिल्म ने अड़तीस लाख का नेट कलेक्शन किया सैटरडे के ऊपर उसमें करीबन एक सौ छब्बीस परसेंट जितना ग्रोथ दिखा जहां पे छियासी लाख का इस फिल्म कलेक्शन क्न किया संडे के दिन 94 फोर लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने थर्ड वीकेंड में करीबन दो करोड़ अठारह लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में थर्ड मंडे के दिन इस फिल्म ने लाख का कलेक्शन किया उसके बाद में ट्यूजे के दिन अड़तीस लाख का कलेक्शन किया वेने के दिन थर्टी लाख का कलेक्शन किया और थर्सडे के दिन ट्वेंटी लाख का कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म ने करीबन तीन वीक के अंदर बीस लाख तीन लाख बीस करोड़ तीन लाख का कलेक्शन किया और उसके बाद में इस फिल्म ने चौथे वीक में पिचासी लाख का कलेक्शन किया पांचवे वीक में एक करोड़ दस लाख का कलेक्शन किया और छठे वीक में पंद्रह लाख का कलेक्शन किया हुआ था तो इस टोटल कलेक्शन होता है छ वीक का 23 करोड़ लाख तो इंडिया से करोड़ तेरह लाख का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन इस फिल्म ने निकाला जिसका ग्रोस होता है सत्ताईस करोड़ चौवन लाख उसके बाद में ओवरसीज में इस फिल्म ने एक करोड़ पैंसठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने उन्तीस करोड़ उन्नीस लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था बजट था अट्ठाइस करोड़ उन्तीस करोड़ उन्नीस लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हो है। इस फिल्म ने एक एवरेज का टेग हासिल किया था वैसे फिल्म काफी बढ़िया थी लेकिन कुछ कंपटीशन थे फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पे जिसके चलते कम मिली हुई थी स्टार्टिंग से ही फिल्म ने आपने देखा जैसे कि वीक तक लंबा रन लिया था थोड़ा थोड़ा कलेक्शन कर रही थी क्योंकि स्क्रीन जो मिली थी जो शो की टाइमिंग थी वो काफी ज्यादा और टाइमिंग थी जिसके चलते फिल्म को जो कलेक्शन करना था जो पोटेंशियल हो था फिल्म का वो नहीं हो पाया जिसके चलते अट्ठाईस करोड़ बजट के सामने उन्तीस करोड़ और उन्नीस लाख का कलेक्शन निकल के आया ग्रोस कलेक्शन अदरवाइज ये फिल्म शायद पचास करोड़ से ऊपर का पोटेंशियल रखती थी तो एक सक्सेसफुल फिल्म हो सकती थी वैसे फ्लॉप तो नहीं है फिल्म लेकिन एक एवरेज ग्रोसर फिल्म साबित हुई है जहाँ पे आई से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है इकहत्तर वोट में सात के चार रेटिंग हासिल हुई है में से तो एक अच्छी रेटिंग है अब बात करें इस फिल्म को अब ओ और सैटेलाइट पे कैसे देख सकते हैं उसके ऊपर आई बी सेवन वन को एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते ओ टी टी में भी एक फ़िल्म काफ़ी अच्छी छाई हुई थी ओ टी टी राइट से वो डिज्नी प्लस हो स्टार के पास है सैटेलाइट राइट से वो स्टार गोल्ड के पास है डिजनी प्लस होस्टार वालों ने सात जुलाई 2023 से इस फिल्म को प्रीमियर करवा दिया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे काफी अच्छी व्यूअरशिप हासिल हुई थी अब इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है फिलहाल में ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर तो डिजनी प्लस हॉस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में आई बी नाम के साथ आप देख सकते हो सैटेलाइट चैनल स्टार गोल और स्टार गोल एच के ऊपर आप इस फिल्म को आई बी नाम, नाम के साथ प्रीमियर होते हुए बिल्कुल फ्री में भी इन्जॉय कर पाओगे सेटेलाइट के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर इस

इंडियन एयरलाइंस हाईजैकिंग जो हुई थी उसके ऊपर बेस्ड है जहाँ पे स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीजें संकल्प रेड्डी ने की हुई है वैसे स्क्रीन प्ले में संकल्प रेड्डी को स्टोरी हाउस फिल्म एलएलपी अर्जुन वर्मा ई वासुदेवा रेड्डी अरुण भीमावरपु निशिकेश मेहरा गर्गी सिंह और अभिमन्यु श्रीवास्तव ने मदद की थी जो डायलॉग्स थे उसमें शहर और चुने दवासी ने काम किया हुआ था स्टोरी के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य शास्त्री ने वो आइडिया पेश किया हुआ था जिसमें बाद में आगे जो डेवलपमेंट थी वो की हुई थी इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि संकल्प रेड्डी ने संकल्प रेड्डी एक काफी आ, एक कैपेबल डायरेक्टर है इससे पहले उन्होंने 2017 की जो द गाजी अटेक फिल्म थी उससे अपना डेब्यू किया था तेलुगू हिंदी लैंग्वेज में वो फिल्म बनाई हुई थी उसके बाद में उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट हाथ में पकड़ा अंतरिक्ष सम नाइन हंड्रेड नाइन किलोमीटर पर आवर तेलुगु लैंग्वेज में वरुण तेज को लेते हुए उसमें भी एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म उन्होंने बनाई हुई थी बाद में दो में एक एंथोलॉजी फिल्म थी पिता कथालो उसमें उन्होंने अपना एक शॉर्ट स्टोरी तेलुगु लैंग्वेज में बताया हुआ था पिंकी सेगमेंट था उसमें और उसके बाद में दो तो इसमें फुल फीचर हिंदी फिल्म के लिए उन्होंने राइटिंग और डायरेक्शन में अपना डेब्यू किया आई बी सेवन वन फिल्म के साथ तो ये इनकी फिल्मोग्राफी है इतनी फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है जिसमें उनको काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हुए इस फिल्म के अलावा उन्होंने गाजी फिल्म के लिए का काफ़ी सारे डायरेक्शन में और अलग अलग जगह पे अवार्ड मिले हुए थे जहाँ पे बेस्ट फीचर फिल्म तेलुगु के तौर पे नए सिक्सटी फिफ्थ नेशनल फिल्म अवार्ड इस फिल्म को दिया गया था तो ये अपने आप में बड़ी बात है थे एक अच्छा डेब्यू किया था उसके बाद में उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किया और इस फिल्म के साथ भी वो एक एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आए थे तो नाइनटी सेवेंटी इंडियन एयरलाइंस में जो हाईजेकिंग हुई थी उस समय जो भी घटनाएं घटी थी तो 30 जनवरी 1971 की डेट के ऊपर जो करीबन 29 नाइन पैसेंजर थे तो उनके साथ जो भी चीजें हुई थी उसके ऊपर पूरी फिल्म की कहानी को सेटअप किया हुआ है अब बात कर लेते हैं प्रोडक्शन की तो विद्युत जामवाल अब्बास सैयद रिलायंस एंटरटेनमेंट भूषण कुमार और कृष्णा कुमार ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे टी सीरीज फिल्म रिलायंस एंटरटेनमेंट एक्शन हीरो फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन अट्ठाईस करोड़ जितने मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था जिसको रिलायंस एंटरटेनमेंट जो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर थे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था जहाँ पे रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा एक अच्छी रिलीज दिलवाई गई थी फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला था एक मिनट का रन टाइम था यानी कि यह फिल्म एक घंटे और सत्तावन मिनट लंबी देखने को मिलेगी जहाँ पे संदीप फ्रेंसिस जो इस फिल्म के एडिटर थे उन्होंने इस फिल्म को एडिट किया हुआ था तो फिल्म को काफी क्रिस्प रखा हुआ था आनंद शेखर वी एस की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है जिन्होंने बखूबी काफी बढ़िया तरीके से कैमरा वर्क दिखाने की कोशिश की हुई थी फिल्म का कैमरा वगैरह भी अच्छा था एक्शन कोरियोग्राफी काफी बढ़िया तरीके से की गई थी इसके अलावा जिस तरह से चीज़ों को इसमें डेवलप किया हुआ था वो बढ़िया था स्क्रीन प्ले अच्छा था मेकर्स की तरफ से एक अच्छा आ, इसको टच दिया हुआ था डायरेक्टर ने बखूबी इस फिल्म के साथ एक बढ़िया काम किया हुआ था कुछ चीज़ें जहाँ पे कुछ फ्लो में चेंजेस करने चाहिए थे कुछ चीज़ों को बेटर किया जा सकता था ओवरऑल एक डिसेंट फिल्म उन्होंने बनाई हुई थी जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी था जो स्क्रीन प्ले था वो लोगों को पसंद आया हुआ था प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक अच्छा काम देखने को मिला था प्रोडक्शन डिजाइन प्रोडक्शन विल काफी बढ़िया नज़र आ रही थी आर्ट डायरेक्शन की तरफ से भी एक अच्छा काम देखने को मिलता है एडिटर संदीप फ्रेंसिस ने भी काफी बढ़िया काम किया हुआ था म्यूजिक में जो बैकग्राउंड स्कोर है प्रशांत आर विहारी का देखने को मिलता है सॉन्ग से वो विक्रम मोन्सो ने कंपोज किए हुए थे फिल्म में एक गाना था जिसको टी सीरीज वालों ने अपने पास राइट्स रखे हुए थे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स स्कौर के वहीं पर इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है जो सीन्स आ रहे थे जिस तरह से चीजों को दिखाया जा रहा था एक स्पाई थ्रिलर फिल्म थी तो उस हिसाब से जो सिक्वेंस थे उस सीन्स से थ्रिलिंग सीन स्पाई थ्रिलर के रिलेटेड उसमें जो बीजीएम था वो काफी काफ़ी बढ़िया था जो काफ़ी अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा था सीन को एलिवेट करने की कोशिश कर रहा था सॉन्ग्स थे विक्रम से के द्वारा कंपोज किए गए थे एक गाना को तो वो भी गाना अच्छा तरीके से सेट किया हुआ था तो इस तरह से टेक्निकली काफ़ी वेलमेड तरीके से फिल्म को बनाया गया था जहाँ पे आर्टिस्ट जैसे कि विद्या जामवाल अनुपम खेर विशाल जीतवा फैजाल खान और डेनी सूरा जैसे कहीं और भी आर्टिस्ट देखने को मिलते जो काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ अपना काम देते हुए नजर आते विद्युत जामवाल काफ़ी बढ़िया तरीके से अपने रोल के साथ इंप्रूव से नजर आते उनको अनुपम खेर विशाल जेतवा जैसे एक्टर काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म में सपोर्ट कर रहे थे फिल्म के डायलॉग्स अच्छे थे उस पर सभी एक्टर्स ने जिस तरह से अपने किरदार के, के प्रति अप्रोच दिखाया था तो वो बढ़िया था मेकर्स ने डायरेक्टर ने काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने ये सभी चीज़ें उनसे अच्छी परफॉर्मेंसेस निकलवाई हुई थी कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो विद्युत जामवाल लीड रोल में देखने को मिलते जिन्होंने आई एजेंट देव जामवाल का रोल प्ले किया हुआ है अनुपम खेर ने आई चीफ एन एस अवस्थी का रोल प्ले किया हुआ था विशाल जेतवा को कासिम कुरैसी का रोल दिया गया था फैजान खान ने अश्फाक कुरैसी का रोल प्ले किया हुआ है डैनी सूरा को सिकंदर का रोल दिया हुआ था सूरज जोशी को एजेंट संग्राम का रोल दिया हुआ था धलीवाला अब्दुल हामिद खान के रोल में दिखाई देते असवद भट्ट ने इस फिल्म में आई चीफ अफजल आगा का रोल प्ले किया हुआ दलीप ताहिल इस फिल्म में जुल्फिकार अली भुट्टो का रोल प्ले करते हुए नजर आए थे सानवान प्रधान ने इसमें यहा खान का रोल प्ले किया हुआ है मीर सारववार ने एस आई जे एंड के पुलिस का रोल प्ले किया हुआ था नरेश मलिक ने मकबूल भट्ट का रोल प्ले किया हुआ था निरहारी का राइजा जो आईबी एजेंट एयर होस्टेस के रोल में दिखाई देती है विजय आनंद जो इसमें फ्लाइट कैप्टन के रोल में दिखाई दिए थे तबन मजमूदार के रोल में शाहिदुर रहमान देखने को मिलते प्यारिली नाइनी ने इसमें शिमला स्टेशन मैनेजर का रोल प्ले किया हुआ है अमित आनंद राउत को लाहौर पुलिस ऑफिसर का रोल दिया गया था रजत रॉय को आई बी ऑफिसर का रोल दिया गया था नरिंदर भूतानी ने इसमें इंडियन एजेंट पैसेंजर का रोल प्ले किया हुआ है सवाना खान ने शीला यानी कि एक पैसेंजर का रोल प्ले किया हुआ था तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो दो हजार में इस आइडिया को एक प्रोजेक्ट के तौर पर डेवलप करने का सोचा गया था उसके बाद में इसके डिरेक्टर ने इस पहले तो ये आइडिया डायरेक्टर को पसंद आया उन्होंने इसके ऊपर स्क्रिप्ट प्ले तैयार किया और उसके बाद में इस फिल्म के प्रोड्यूसर को उनको सुनाया और इस फिल्म के लीड एक्टर यानी कि विजय जामवाल को भी आइडिया पसंद आया प्रोडक्शन हाउसेज को भी पसंद आया उसके ऊपर फिल्म बनाने का फैसला लिया गया उसके बाद में एक रूमर्स तो आ रही थी कि ऐसा कुछ होने वाला है लेकिन बाद में ऑफिशियली मेकर्स के द्वारा ही अनाउंस किया गया था कि वो एक फिल्म लेके आ रहे हैं जहाँ पे प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो जनवरी 2022 मुंबई में स्टार्ट की गई थी और मार्च 2022 में अनुपम खेर ने सेट ज्वाइन किया था उसके बाद में एक दो महीने और शूटिंग चली थी और पूरी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करवाने के बाद फिल्म को प्रोडक्शन के लिए पोस्ट प्रोडक्शन के लिए भेजा गया जहाँ पर डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग और म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया गया और उसके बाद में फिल्म को तैयार करवाया गया जहाँ पर सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिया गया और बाद में थिएट्रिकली फिल्म रिलीज़ करवाया गया जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के वन ऑफ द प्रोड्यूसर यानी कि टी सीरीज फिल्म से वही इस फिल्म को ये फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदते हुए नज़र आए बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों के राइट्स उन्होंने खरीदे हुए थे जहाँ पे जो गाने हैं वो विक्रम मोन्तोसा ने कंपोज किया हुआ था वहीं पर जो बैकग्राउंड स्कोर था वो प्रशांत आर विहारी ने कंपोज किया हुआ था फिल्म में सिर्फ एक ही गाना रखा हुआ था विजया भावा जिसके लिरिक्स अभिनव शेखर ने लिखे हुए थे साबाद फरीदी ने उसको गाया हुआ था चार मिनट ग्यारह सेकंड का वो लेंथ के गाना था जो अभी फिलहाल में अगर आपको सुनना है

इस फिल्म ने हासिल की हुई थी जहाँ पे इस फिल्म ने एक डिसेंट काइंड ऑफ ओपनिंग हासिल की हुई थी जहाँ पे पहले दिन एक करोड़ पचपन लाख का नेट कलेक्शन किया था फिल्म ने दूसरे दिन इस फिल्म ने एक सिक्सटी परसेंट का ग्रोथ दिखाया दो करोड़ तिरपन लाख का ग्रोथ कलेक्शन सॉरी नेट कलेक्शन किया संडे के दिन फिल्म ने बाईस जितना और ग्रोथ दिखाया सैटरडे के मुकाबले जहाँ पे तीन करोड़ दस लाख का नेट कलेक्शन निकल के आया तो इस फिल्म का जो पहला वीकेंड था वो करीबन सात करोड़ अट्ठारह लाख का निकला हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने मंडे के

हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने सेकंड मंडे के ऊपर अट्ठावन लाख का नेट कलेक्शन किया ट्यूजे के ऊपर बावन लाख का नेट कलेक्शन के ऊपर पचास लाख का नेट कलेक्शन किया थर्सडे के ऊपर का नेट कलेक्शन किया जिसके चलते दूसरे वीक में इस फिल्म ने चार करोड़ चवालीस लाख का कलेक्शन किया तो पहले और दूसरे वीक का जो कलेक्शन था वो टोटल हुआ पंद्रह करोड़ पैंतालीस लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से उसके बाद में थर्ड फ्राइडे के ऊपर फिल्म ने अड़तीस लाख का नेट कलेक्शन किया सैटरडे के ऊपर उसमें करीबन एक जितना ग्रोथ दिखा जहां पे छियासी लाख का इस फिल्म ने लेक्शन किया संडे के दिन 94 फोर लेख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने थर्ड वीकेंड में करीबन दो करोड़ अट्ठारह लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में थर्ड मंडे के दिन इस फिल्म ने पैंतीस लाख का कलेक्शन किया उसके बाद में ट्यूजडे के दिन अड़तीस लाख का कलेक्शन किया वेनेसडे के दिन थर्टी लाख का कलेक्शन किया और थर्सडे के दिन ट्वेंटी लाख का कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म ने करीबन तीन वीक के अंदर बीस लाख तीन लाख बीस करोड़ तीन लाख का कलेक्शन किया और उसके बाद में इस फिल्म ने चौथे वीक में एक करोड़ पिचासी लाख का कलेक्शन किया पांचवे वीक में एक करोड़ दस लाख का कलेक्शन किया और छठे वीक में पंद्रह लाख का कलेक्शन किया हुआ था तो इस टोटल कलेक्शन होता है छह वीक का तेईस करोड़ तेरह लाख तो इंडिया से तेईस करोड़ तेरह लाख का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन इस फिल्म ने निकाला जिसका ग्रोस होता है सत्ताईस करोड़ चौवन लाख उसके बाद में ओवरसीज में इस फिल्म ने एक करोड़ पैंसठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने उन्तीस करोड़ उन्नीस लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था बजट था अट्ठाइस करोड़ उन्तीस करोड़ उन्नीस लाख का ग्रोस कलेक्शन करते है। इस फिल्म ने एक एवरेज का टेग हासिल किया था वैसे फिल्म काफी बढ़िया थी लेकिन कुछ कंपटीशन थे फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पे जिसके चलते स्क्रीन कम मिली हुई थी स्टार्टिंग से ही फिल्म ने आपने देखा जैसे कि छह वीक तक लंबा रन लिया था थोड़ा थोड़ा कलेक्शन कर रही थी क्योंकि स्क्रीन्स जो मिली थी जो शो की टाइमिंग थी वो काफी ज्यादा ओवर टाइमिंग थी जिसके चलते फिल्म को जो कलेक्शन करना था जो पोटेंशियल हो था फिल्म का वो नहीं हो पाया जिसके चलते अट्ठाईस करोड़ बजट के सामने उन्तीस करोड़ और उन्नीस लाख का ही कलेक्शन निकल के आया ग्रोस कलेक्शन अदरवाइज ये फिल्म शायद पचास करोड़ से ऊपर का पोटेंशियल रखती थी तो एक सक्सेसफुल फिल्म हो सकती थी वैसे फ्लॉप तो नहीं है फिल्म लेकिन एक एवरेज ग्रोसर फिल्म साबित हुई है जहाँ पे आई से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है इकहत्तर वोट में सात के की रेटिंग हासिल हुई है में से तो एक अच्छी रेटिंग है अब बात करें इस फिल्म को अब ओ और सैटेलाइट पे कैसे देख सकते हो उसके ऊपर आई बी सेवन वन को एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते ओ टी टी में भी एक फ़िल्म काफ़ी अच्छी छाई हुई थी ओ टी टी राइट से वो डिज्नी प्लस वो स्टार के पास है सैटेलाइट राइट से वो स्टार गोल्ड के पास है डिजनी प्लस होटस्टार वाला ने सात जुलाई 2023 से इस फिल्म को प्रीमियर करवा दिया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे काफी अच्छी हासिल हुई थी। अब इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है फिलहाल मेंर्जन में आई बी तो नाम के साथ आप देख सकते हो सैटेलाइट चैनल स्टार गोल और स्टार गोल एच के ऊपर आप इस फिल्म को आई बी वन नाम के साथ प्रीमियर होते हुए हो। बिल्कुल फ्री में भी इंजॉय कर पाओगे के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि डिजनी प्लस हॉस्टार के ऊपर इस फिल्म

इंडियन एयरलाइंस हाईजेकिंग जो हुई थी उसके ऊपर बेस्ड है जहाँ पे स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें संकल्प रेड्डी ने की हुई है वैसे स्क्रीन प्ले में संकल्प रेड्डी को स्टोरी हाउस फिल्म एलएलपी अर्जुन वर्मा ई वासुदेवा रेड्डी अरुण भीमावरपू ऋषिकेश मेहरा गर्गी सिंह और अभिमन्यु श्रीवास्तवा ने मदद की थी जो डायलॉग से उसमें शहर कैज़ और जुनेद वासी ने काम किया हुआ था स्टोरी के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य शास्त्री ने वो आइडिया पेश किया हुआ था जिसमें बाद में आगे जो डेवलप मेंट थी वो की हुई थी इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि संकल्प रेड्डी ने संकल्प रेड्डी एक काफी आ, एक कैपेबल डायरेक्टर है इससे पहले उन्होंने 2017 की जो द गाजी अटिक फिल्म थी उससे अपना डेब्यू किया था तेलुगु हिंदी लैंग्वेज में वो फिल्म बनाई हुई थी उसके बाद में उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट हाथ में पकड़ा अंतरिक्ष सम नाइन हंड्रेड किलोमीटर पर आवर तेलुगू लैंग्वेज में वरुण तेज को लेते हुए उसमें भी एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म उन्होंने बनाई हुई थी बाद में दो में एक एंथोलॉजी फिल्म थी पिता कथालो उसमें उन्होंने अपना एक शॉर्ट स्टोरी तेलुगु लैंग्वेज में बताया हुआ था पिंकी सेगमेंट था उसमें और उसके बाद में दो में फुल फ़ीचर हिंदी फिल्म के लिए उन्होंने राइटिंग और डायरेक्शन में अपना डेब्यू किया आई बी सेवन वन फिल्म के साथ तो ये इनकी फिल्मोग्राफी है इतनी फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है जिसमें उनको काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हुए इस फिल्म के अलावा उन्होंने गाजी फिल्म के लिए का काफ़ी सारे डिरेक्शन में और अलग अलग जगह पे अवार्ड मिले हुए थे जहाँ पे बेस्ट फीचर फिल्म तेलुगू के तौर पे नए सिक्सटी फिफ्थ नेशनल फिल्म अवार्ड इस फिल्म को दिया गया था तो ये अपने आप में बड़ी बात है थे एक अच्छा डेब्यू किया था उसके बाद में उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किया और इस फिल्म के साथ भी वो एक एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आए थे तो नाइनटी सेवेंटी इंडियन एयरलाइंस में जो हाईजेकिंग हुई थी उस समय जो भी घटनाएं घटी थी तो 30 जनवरी 1971 की डेट के ऊपर जो करीबन 29 नाइन पैसेंजर थे तो उनके साथ जो भी चीज़ें हुई थी उसके ऊपर पूरी फिल्म की कहानी को सेटअप किया हुआ है अब बात कर लेते हैं प्रोडक्शन की तो विद्युत जामवाल अब्बास सैयद रिलायंस एंटरटेनमेंट भूषण कुमार और कृष्णा कुमार ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे टी सीरीज फिल्म्स रिलायंस एंटरटेनमेंट एक्शन हीरो फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन 28 करोड़ जितने मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था जिसको रिलायंस एंटरटेनमेंट जो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर थे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था जहां पे रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा एक अच्छी रिलीज दिलवाई गई थी फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला था एक मिनट का रन टाइम था यानी कि यह फिल्म एक घंटे और सत्तावन मिनट लंबी देखने को मिलेगी जहाँ पे संदीप फ्रेंसिस जो इस फिल्म के एडिटर थे उन्होंने इस फिल्म को एडिट किया हुआ था तो फिल्म को काफी क्रिस्प रखा हुआ था आनंद शेखर वी एस की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है जिन्होंने बखूबी काफी बढ़िया तरीके से कैमरा वर्क दिखाने की कोशिश की हुई थी फिल्म का कैमरा वगैरह भी अच्छा था एक्शन कोरियोग्राफी काफी बढ़िया तरीके से की गई थी के अलावा जिस तरह से चीज़ों को इसमें डेवलप किया हुआ था वो बढ़िया था स्क्रीन प्ले अच्छा था मेकर्स की तरफ से एक अच्छा इसको टच दिया हुआ था डायरेक्टर ने बखूबी इस फिल्म के साथ एक बढ़िया काम किया हुआ था कुछ चीज़ें जहाँ पे कुछ फ्लो में चेंजेस करने चाहिए थे कुछ चीजों को बेटर किया जा सकता था ओवरऑल एक डिसेंट फिल्म उन्होंने बनाई हुई थी जहाँ पे इस फिल्म का स्टोरी था जो स्क्रीन प्ले था वो लोगों को पसंद आया हुआ था प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक अच्छा काम देखने को मिला था प्रोडक्शन डिजाइन प्रोडक्शन वेल्यू काफी बढ़िया नजर आ रही थी आर्ट डायरेक्शन की तरफ से भी एक अच्छा काम देखने को मिलता है एडिटर संदीप फ्रेंसिस ने भी काफी बढ़िया काम किया हुआ था म्यूजिक में जो बैकग्राउंड स्कोर है प्रशांत आर विहारी का देखने को मिलता है सॉन्ग से वो विक्रम मोन्सो ने कंपोज किए हुए थे फिल्म में एक गाना था जिसको टी सीरीज वालों ने अपने पास राइट्स रखे हुए थे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स के वहीं पर इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है जो सीन्स आ रहे थे जिस तरह से चीजों को दिखाया जा रहा था एक स्पाई थ्रिलर फिल्म थी तो उस हिसाब से जो सिक्वेंस थे उस सीन्स से थ्रिलिंग सीन स्पाई थ्रिलर के रिलेटेड उसमें जो बीजीएम था वो काफी बढ़िया था जो काफी अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा था सीन को एलिवेट करने की कोशिश कर रहा था सॉन्ग्स थे विक्रम से के द्वारा कंपोज किए गए थे एक गाना को तो वो भी गाना अच्छा तरीके से सेट किया हुआ था तो इस तरह से टेक्निकली काफी वेलमेड तरीके से फिल्म को बनाया गया था जहां पर आर्टिस्ट जैसे कि विद्युत जामवाल अनुपम खेर विशाल जेतवा फैजाल खान और डेनी सूरा जैसे कई और भी आर्टिस्ट देखने को मिलते जो काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ अपना काम देते हुए नजर आते विद्युत जामवाल काफी बढ़िया तरीके से अपने रोल के साथ इंप्रेस से नजर आते उनको अनुपम खेर विशाल जेतवा जैसे एक्टर काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म में सपोर्ट कर रहे थे फिल्म के डायलॉग्स अच्छे थे उस पर सभी एक्टर्स ने जिस तरह से अपने किरदार के, के प्रति अप्रोच दिखाया था तो वो बढ़िया था मेकर्स ने डायरेक्टर ने काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने ये सभी चीज़ें उनसे अच्छी परफॉर्मेंसेस निकलवाई हुई थी कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो विद्युत जामवाल लीड रोल में देखने को मिलते जिन्होंने आई एजेंट देव जामवाल का रोल प्ले किया हुआ है अनुपम खेर ने आई चीफ एन एस अवस्थी का रोल प्ले किया हुआ था विशाल जेतवा को कासिम कुरैसी का रोल दिया गया था फ़ैजान खान ने अश्फाक कुरैसी का रोल प्ले किया हुआ है डैनी सूरा को सिकंदर का रोल दिया हुआ था सूरज जोशी को एजेंट संग्राम का रोल दिया हुआ था हॉबीदली वाला अब्दुल हामिद खान के रोल में दिखाई देते असवद भट्ट ने इस फिल्म में आई चीफ अफजल आगा का रोल प्ले किया हुआ दलीप ताहिल इस फिल्म में जुल्फिकार अली भुट्टो का रोल प्ले करते हुए नजर आए थे सानवान प्रधान ने इसमें यहा खान का रोल प्ले किया हुआ है मीर सारववार ने एस आई जे एंड के पोफी पुलिस का रोल प्ले किया हुआ था नरेश मलिक ने मकबूल भट्ट का रोल प्ले किया हुआ था निरहारी का जो आई बी एजेंट एयर होस्टेस के रोल में दिखाई देती है विजय आनंद जो इसमें फ्लाइट कैप्टन के रोल में दिखाई दिए थे तबन मजबूदार के रोल में शाहिदुर रहमान देखने को मिलते प्यारिली नाइनी ने इसमें शिमला स्टेशन मैनेजर का रोल प्ले किया हुआ है अमित आनंद राउत को लाहौर पुलिस ऑफिसर का रोल दिया गया था रजत रॉय को आईबी ऑफिसर का रोल दिया गया था नरेंद्र भूतानी ने इसमें इंडियन एजेंट पैसेंजर का रोल प्ले किया हुआ है सबाना खान ने शिला यानी कि एक पैसेंजर का रोल प्ले किया हुआ था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो दो हजार में इस आइडिया को एक प्रोजेक्ट के तौर पर डेवलप करने का सोचा गया था उसके बाद में इस के डरेक्टर ने पहले तो आइडिया डायरेक्टर को पसंद आया उन्होंने इसके ऊपर स्क्रिप्ट प्ले तैयार किया और उसके बाद में इस फिल्म के प्रोड्यूसर को उनको सुनाया और इस फिल्म के लीड एक्टर यानी कि विद्युत जामवाल को भी आइडिया पसंद आया प्रोडक्शन हाउसेस को भी पसंद आया उसके ऊपर फिल्म बनाने का फैसला लिया गया उसके बाद में एक रूमर्स तो आ रही थी कि ऐसा कुछ होने वाला है लेकिन बाद में ऑफिशियली मेकर्स के द्वारा ही अनाउंस किया गया था कि वो एक फ़िल्म लेके आ रहे हैं जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो जनवरी 2022 मुंबई में स्टार्ट की गई थी और मार्च 2022 में अनुपम खेर ने सेट ज्वाइन किया था उसके बाद में एक दो महीने और शूटिंग चली थी और पूरी फिल्म की शूटिंग कम्प्लीट करवाने के बाद फिल्म को प्रोडक्शन के लिए पोस्ट प्रोडक्शन के लिए भेजा गया जहाँ पर डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग और म्यूज़िक डिपार्टमेंट में काम किया गया और उसके बाद में फिल्म को तैयार करवाया गया जहाँ पर सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिया गया और बाद में थिएट्रिकली फिल्म को रिलीज़ करवाया गया जहाँ पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के वन ऑफ द प्रोड्यूसर यानी कि टी सीरीज फिल्म वही इस फिल्म को फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स खरीदते हुए नजर आए बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों के राइट्स उन्होंने खरीदे हुए थे जहाँ पे जो गाने हैं वो विक्रम मोन्त्र ने कंपोज किया हुआ था वहीं पर जो बैकग्राउंड स्कोर था वो प्रशांत आर बिहारी ने कंपोज किया हुआ था फिल्म में सिर्फ एक ही गाना रखा हुआ था विजया भावा जिसके लिरिक्स अभिनव शेखर ने लिखे हुए थे साबादा फरीदी ने उसको गाया हुआ था चार मिनट ग्यारह सेकंड का वो लेंथ के गाना था जो अभी फ़िलहाल में अगर आपको सुनना है वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे टी सीरीज में क्योंकि ऑफिशियली यूट्यूब चैनल के ऊपर अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की रिलीज के ऊपर जहां पे इस फिल्म को 12 मई 2023 को थिएटर में रिलीज किया गया था हिंदी लैंग्वेज में जब रिलीज किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल हुआ फिल्म को जहां पे 7100 वोट फिल्म को IMDb पे मिले जिसमें 7.4 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से तो एक अच्छी डिसेंटरेटिक इस फिल्म ने हासिल की हुई थी जहां पे इस फिल्म ने एक डिसेंट काइंड ऑफ ओपनिंग हासिल की हुई थी जहां पहले पे दिन एक करोड़ पचपन लाख का नेट कलेक्शन किया था फिल्म फिल्म ने ने दूसरे दिन इस फिल्म एक का ग्रोथ दिखाया करोड़ तिरपन लाख का कलेक्शन कलेक्शन सॉरी नेट किया संडे के दिन फिल्म ने बाईस जितना और ग्रोथ दिखाया सैटरडे के मुकाबले जहां पर तीन करोड़ दस लाख का नेट कलेक्शन निकल के आया तो इस फिल्म का जो पहला वीकेंड था वो करीबन सात करोड़ अट्ठारह लाख का निकला हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने मंडे के

हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने सेकंड मंडे के ऊपर अट्ठावन लाख का नेट कलेक्शन किया टूजे के ऊपर बावन लाख का नेट कलेक्शन के ऊपर पचास लाख का नेट कलेक्शन किया थर्सडे के ऊपर का नेट कलेक्शन किया जिसके चलते दूसरे वीक में इस फिल्म ने चार करोड़ चवालीस लाख का कलेक्शन किया तो पहले और दूसरे वीक का जो कलेक्शन था वो टोटल हुआ पंद्रह करोड़ पैंतालीस लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से उसके बाद में थर्ड फ्राइडे के ऊपर फिल्म ने अड़तीस लाख का नेट कलेक्शन किया सैटरडे के ऊपर उसमें करीबन एक जितना ग्रोथ दिखा जहां पे छियासी लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया संडे like like so, के दिन 94 फोर लेख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने थर्ड वीकेंड में करीबन दो करोड़ अट्ठारह लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में थर्ड मंडे के दिन इस फिल्म ने पैंतीस लाख का कलेक्शन किया उसके बाद में ट्यूजडे के दिन अड़तीस लाख का कलेक्शन किया वेनेस्डे के दिन थर्टी लाख का कलेक्शन किया और थर्सडे के दिन ट्वेंटी लाख का कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म ने करीबन तीन वीक के अंदर बीस लाख तीन लाख बीस करोड़ तीन लाख का कलेक्शन किया और उसके बाद में इस फिल्म ने चौथे वीक में करोड़ पिचासी लाख का कलेक्शन किया पांचवे वीक में एक करोड़ दस लाख का कलेक्शन किया और छठे वीक में पंद्रह लाख का कलेक्शन किया हुआ था तो इस टोटल कलेक्शन होता है छ वीक का तेईस करोड़ तेरह लाख तो इंडिया से तेईस करोड़ तेरह लाख का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन इस फिल्म ने निकाला जिसका ग्रोस होता है सत्ताईस करोड़ चौवन लाख उसके बाद में ओवरसीज में इस फिल्म ने एक करोड़ पैंसठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते वर्ल्ड वाइड इस फिल्म में उन्तीस करोड़ उन्नीस लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था बजट था अट्ठाइस करोड़ उन्तीस करोड़ उन्नीस लाख का ग्रोस कलेक्शन करते है। इस फिल्म ने एक एवरेज का टैग हासिल किया था वैसे फिल्म काफी बढ़िया थी लेकिन कुछ कंपटीशन थे फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पे जिसके चलते कम मिली थी स्टार्टिंग से ही फिल्म ने आपने देखा जैसे कि छह वीक तक लंबा रन लिया था थोड़ा थोड़ा कलेक्शन कर रही थी क्योंकि स्क्रीन जो मिली थी जो शो की टाइमिंग थी वो काफी ज्यादा ओवर टाइमिंग थी जिसके चलते फिल्म को जो कलेक्शन करना था जो पोटेंशियल हो था फिल्म का वो नहीं हो पाया जिसके चलते अट्ठाईस करोड़ बजट के सामने उनतीस करोड़ और उन्नीस लाख का कलेक्शन निकल के आया ग्रोस कलेक्शन अदरवाइज ये फिल्म शायद पचास करोड़ से ऊपर का पोटेंशियल रखती थी तो एक सक्सेसफुल फिल्म हो सकती थी वैसे फ्लॉप तो नहीं है फिल्म लेकिन एक एवरेज ग्रोसर फिल्म साबित हुई है जहाँ पे आई से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है इकहत्तर वोट में सात के रेटिंग हासिल हुई है में से तो एक अच्छी रेटिंग है अब बात करें इस फिल्म को अब ओ और सैटेलाइट पे कैसे देख सकते हैं उसके ऊपर आई बी सेवन वन को एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते ओ टी टी में भी एक फिल्म काफ़ी अच्छी छाई हुई थी ओ टी टी राइट से वो डिज्नी प्लस वो स्टार के पास है सैटेलाइट राइट से वो स्टार गोल्ड के पास है डिजनी प्लस होस्टार वाला ने सात जुलाई 2023 से इस फिल्म को प्रीमियर करवा दिया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे काफी अच्छी व्यूअरशिप हासिल हुई थी अब इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है फिलहाल में ओटी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर तो Plus oh के ऊपर इंग्लिश सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में आई नाम के साथ आप देख सकते हो सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच के ऊपर आप इस फिल्म को आई बी वन नाम के साथ प्रीमियर होते हुए बिल्कुल फ्री में भी इंजॉय कर पाओगे सेटेलाइट के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर इस

इंडियन एयरलाइंस हाईजेकिंग जो हुई थी उसके ऊपर बेस्ड है जहाँ पे स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें संकल्प रेड्डी ने की हुई है वैसे स्क्रीन प्ले में संकल्प रेड्डी को स्टोरी हाउस फिल्म एलएलपी अर्जुन वर्मा ई वासुदेवा रेड्डी अरुण भीमावरपू ऋषिकेश मेहरा गर्गी सिंह और अभिमन्यु श्रीवास्तवा ने मदद की थी जो डायलॉग्स थे उसमें शहर कायज और जुनेद वासी ने काम किया हुआ था स्टोरी के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य शास्त्री ने वो आइडिया पेश किया हुआ था जिसमें बाद में आगे जो डेवलपमेंट थी वो की हुई थी इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि संकल्प रेड्डी ने संकल्प रेड्डी एक काफ़ी एक कैपेबल डायरेक्टर है इससे पहले उन्होंने 2017 की जो द गाजी अटेक फिल्म थी उससे अपना डेब्यू किया था तेलगु हिंदी लैंग्वेज में वो फिल्म बनाई हुई थी उसके बाद में उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट हाथ में पकड़ा अंतरिक्षम नाइन हंड्रेड किलोमीटर पर आवर तेलुगु लैंग्वेज में वरुण तेज को लेते हुए उसमें भी एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म उन्होंने बनाई हुई थी बाद में दो में एक एंथोलॉजी फिल्म थी पिता कथा लो उसमें उन्होंने अपना एक शॉर्ट स्टोरी तेलुगू लैंग्वेज में बताया हुआ था पिंकी सेगमेंट था उसमें और उसके बाद में दो इसमें फुल फीचर हिंदी फिल्म के लिए उन्होंने राइटिंग और डायरेक्शन में अपना डेब्यू किया आई बी सेवन वन फिल्म के साथ तो ये इनकी फिल्मोग्राफी है इतनी फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है जिसमें उनको काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हुए इस फिल्म के अलावा उन्होंने गाजी फिल्म के लिए काफ़ी सारे डायरेक्शन में और अलग अलग जगह पे अवार्ड मिले हुए थे जहाँ पे बेस्ट फीचर फिल्म तेलुगु के तौर पे नए सिक्सटी फिफ्थ नेशनल फिल्म अवार्ड इस फिल्म को दिया गया था तो ये अपने आप में बड़ी बात है थी एक अच्छा डेब्यू किया था उसके बाद में उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए और इस फिल्म के साथ भी वो एक एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आए थे तो नाइनटी सेवेंटी इंडियन एयरलाइंस में जो हाईजेकिंग हुई थी उस समय जो भी घटनाएं घटी थी तो 30 जनवरी 1971 की डेट के ऊपर जो करीबन 29 पैसेंजर थे तो उनके साथ जो भी चीज़ें हुई थी उसके ऊपर पूरी फिल्म की कहानी को सेटअप किया हुआ है अब बात कर लेते हैं प्रोडक्शन की तो विद्युत जामवाल अब्बास सैयद रिलायंस एंटरटेनमेंट भूषण कुमार और कृष्णा कुमार ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे टी सीरीज़ फिल्म्स रिलायंस एंटरटेनमेंट एक्शन हीरो फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन अट्ठाईस करोड़ जितने मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था जिसको रिलायंस एंटरटेनमेंट जो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर थे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था जहाँ पे रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा एक अच्छी रिलीज दिलवाई गई थी फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिला था मिनट का रन टाइम था यानी कि ये फिल्म घंटे और सत्तावन मिनट लंबी देखने को मिलेगी पे संदीप के, जो इस फिल्म के एडिटर थे उन्होंने इस फिल्म को एडिट किया हुआ था तो फिल्म को काफी क्रिस्प रखा हुआ था आनंद शेखर वी एस की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है जिन्होंने बखूबी काफी बढ़िया तरीके से कैमरा वर्क दिखाने की कोशिश की हुई थी फिल्म का कैमरा वर्क भी अच्छा था एक्शन कोरियोग्राफी काफी बढ़िया तरीके से की गई थी इसके

भी एक अच्छा काम देखने को मिलता है एडिटर संदीप फ्रेंसिस ने भी काफी बढ़िया काम किया होता है म्यूजिक में जो बैकग्राउंड स्कोर है प्रशांत आर विहारी का देखने को मिलता है सॉन्ग्स वो विक्रम किए हुए थे फिल्म में एक गाना था जिसको टी सीरीज वालों ने अपने पास राइट्स रखे हुए थे बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स के वहीं पर इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है जो सीन्स आ रहे थे जिस तरह से चीजों को दिखाया जा रहा था एक स्पाई थ्रिलर फिल्म थी तो उस हिसाब से जो सिक्वेंस थे उस सीन से थ्रिलिंग सीन स्पाई थ्रिलर के रिलेटेड उसमें जो बीजीएम था वो काफी बड़ी था जो काफी अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा था सीन को एलिवेट करने की कोशिश कर रहा था सॉन्ग्स थे विक्रम मंत्र से के द्वारा कंपोज किए गए थे एक गाना को तो वो भी गाना अच्छा तरीके से सेट किया हुआ था तो इस तरह से टेक्निकली काफी वेलमेड तरीके से फिल्म को बनाया गया था जहां पर आर्टिस्ट जैसे कि विद्युत जामवाल अनुपम खेर विशाल जेतवा फैजाल खान और डेनी सूरा जैसे कई और भी आर्टिस्ट देखने को मिलते जो काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ अपना काम देते हुए नजर आते विद्युत जामवाल काफी बढ़िया तरीके से अपने रोल के साथ इंप्रेसिव थे उनको अनुपम खेर विशाल जेतवा के डायरेक्टर ने काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने ये सभी उनसे अच्छी परफॉर्मेंसेस निकलवाई हुई थी कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो विद्युत जामवाल लीड रोल में देखने को मिलते है जिन्होंने आई एजेंट देव जामवाल का रोल प्ले किया हुआ है अनुपम खेर ने आई चीफ एन एस अवस्थी का रोल प्ले किया हुआ था विशाल जेतवा को कासिम कुरैसी का रोल दिया गया था फैजान खान ने

आई बी एजेंट एयर होस्टेस के रोल में दिखाई देती है विजय आनंद जो इसमें फ्लाइट कैप्टन के रोल में दिखाई दिए थे तबन मजमूदार के रोल में शाहिदुर रहमान देखने को मिलते प्यारिली नाइनी ने इसमें शिमला स्टेशन मैनेजर का रोल प्ले किया हुआ है अमित आनंद राउत को लाहौर पुलिस ऑफिसर का रोल दिया गया था रजत रॉय को आईबी ऑफिसर का रोल दिया गया था नरेंद्र भूतानी ने इसमें इंडियन एजेंट पैसेंजर का रोल प्ले किया हुआ है सबाना खान ने शिला यानी कि एक पैसेंजर का रोल प्ले किया हुआ था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो दो हजार में इस आइडिया को एक प्रोजेक्ट के तौर पर डेवलप करने का सोचा गया था उसके बाद में इस के डरेक्टर ने पहले तो ये डायरेक्टर को पसंद आया उन्होंने इसके ऊपर स्क्रिप्ट तैयार किया और उसके बाद में इस फिल्म के प्रोड्यूसर को उनको सुनाया और इस फिल्म के लीड एक्टर यानी कि विजय जामवाल को भी आइडिया पसंद आया प्रोडक्शन हाउसेज को भी पसंद आया उसके ऊपर फिल्म बनाने का फैसला लिया गया उसके बाद में एक रूमर्स तो आ रही थी कि ऐसा कुछ होने वाला है लेकिन बाद में ऑफिशियली मेकर्स के द्वारा ही अनाउंस किया गया था कि वो एक फिल्म लेके आ रहे जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो जनवरी 2022 मुंबई में स्टार्ट की गई थी और मार्च 2022 में अनुपम खेर ने सेट ज्वाइन किया था उसके बाद में एक दो महीने और शूटिंग चली थी और पूरी फिल्म की शूटिंग कम्प्लीट करवाने के बाद फिल्म को प्रोडक्शन के लिए पोस्ट प्रोडक्शन के लिए भेजा गया जहाँ पर डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग और म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया गया और उसके बाद में फिल्म को तैयार करवाया गया जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिया गया और बाद में थिएट्रिकली फिल्म रिलीज करवाया गया जहां पे म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के वन ऑफ द प्रोड्यूसर यानी कि टी सीरीज वही इस फिल्म को फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदते हुए नजर आए बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों के राइट्स उन्होंने खरीदे हुए थे जहां पे जो गाने हैं वो विक्रम ने कम्पोज किया हुआ था वहीं पर जो बैकग्राउंड स्कोर था वो प्रशांत आर बिहारी ने कंपोज किया हुआ था फिल्म में सिर्फ एक ही गाना रखा हुआ था विजया भावा जिसके लिरिक्स अभिनव शेखर ने लिखे हुए थे साबाद साहबदाफरीदी ने उसको गाया हुआ था चार मिनट ग्यारह सेकंड का वो लेंथ के गाना था जो अभी फिलहाल में अगर आपको सुनना है तो

इस फिल्म ने हासिल की हुई थी जहाँ पे इस फिल्म ने एक डिसेंट काइंड ऑफ ओपनिंग हासिल की हुई थी जहाँ पे पहले दिन एक करोड़ पचपन लाख का नेट कलेक्शन किया था फिल्म ने दूसरे दिन इस फिल्म ने एक सिक्सटी सिक्सटी परसेंट का ग्रोथ दिखाया दो करोड़ तिरपन लाख का ग्रोथ कलेक्शन सॉरी नेट कलेक्शन किया संडे के दिन फिल्म ने बाईस जितना और ग्रोथ दिखाया सैटरडे के मुकाबले जहाँ पे तीन करोड़ दस लाख का नेट कलेक्शन निकल के आया तो इस फिल्म का जो पहला वीकेंड था वो करीबन सात करोड़ अट्ठारह लाख का निकला हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने मंडे के

हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने सेकंड मंडे के ऊपर अट्ठावन लाख का नेट कलेक्शन किया ट्यूजे के ऊपर बावन लाख का नेट कलेक्शन के ऊपर पचास लाख का नेट कलेक्शन किया थर्सडे के ऊपर का नेट कलेक्शन किया जिसके चलते दूसरे वीक में इस फिल्म ने चार करोड़ चवालीस लाख का कलेक्शन किया तो पहले और दूसरे वीक का जो कलेक्शन था वो टोटल हुआ पंद्रह करोड़ पैंतालीस लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से उसके बाद में थर्ड फ्राइडे के ऊपर फिल्म ने अड़तीस लाख का नेट कलेक्शन किया सैटरडे के ऊपर उसमें करीबन एक जितना ग्रोथ दिखा जहां पे छियासी लाख का इस फिल्म कलेक्शन क्न किया संडे के दिन 94 फोर लेख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने थर्ड वीकेंड में करीबन दो करोड़ अठारह लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में थर्ड मंडे के दिन इस फिल्म ने लाख का कलेक्शन किया उसके बाद में ट्यूडे के दिन अड़तीस लाख का कलेक्शन किया वेने के दिन थर्टी लाख का कलेक्शन किया और थर्सडे के दिन ट्वेंटी लाख का कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म ने करीबन तीन वीक के अंदर बीस लाख तीन लाख बीस करोड़ तीन लाख का कलेक्शन किया और उसके बाद में इस फिल्म ने चौथे वीक में पिचासी लाख का कलेक्शन किया पांचवे वीक में एक करोड़ दस लाख का कलेक्शन किया और छठे वीक में पंद्रह लाख का कलेक्शन किया हुआ था तो इस टोटल कलेक्शन होता है छ वीक का तेईस करोड़ तेरह लाख तो इंडिया से तेईस करोड़ तेरह लाख का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन इस फिल्म ने निकाला जिसका ग्रोस होता है सत्ताईस करोड़ चौवन लाख उसके बाद में ओवरसीज में इस फिल्म ने एक करोड़ पैंसठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने उनतीस करोड़ उन्नीस लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था बजट था अट्ठाइस करोड़ उन्तीस करोड़ उन्नीस लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए है। इस फिल्म ने एक एवरेज का टैग हासिल किया था वैसे फिल्म काफी बढ़िया थी लेकिन कुछ कंपटीशन थे फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पे जिसके चलते कम मिली हुई थी स्टार्टिंग से ही फिल्म ने आपने देखा जैसे कि वीक तक लंबा रन लिया था थोड़ा थोड़ा कलेक्शन कर रही थी क्योंकि स्क्रीन जो मिली थी जो शो की टाइमिंग थी वो काफी ज्यादा और टाइमिंग थी जिसके चलते फिल्म को जो कलेक्शन करना था जो पोटेंशियल हो था फिल्म का वो नहीं हो पाया जिसके चलते अट्ठाईस करोड़ बजट के सामने उन्तीस करोड़ और उन्नीस लाख का कलेक्शन निकल के आया ग्रोस कलेक्शन अदरवाइज ये फिल्म शायद पचास करोड़ से ऊपर का पोटेंशियल रखती थी तो एक सक्सेसफुल फिल्म हो सकती थी वैसे फ्लॉप तो नहीं है फिल्म लेकिन एक एवरेज ग्रोसर फिल्म साबित हुई है जहाँ पे आई से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है इकहत्तर वोट में सात के चार रेटिंग हासिल हुई है में से तो एक अच्छी रेटिंग है अब बात करें इस फिल्म को अब ओ और सेटेलाइट पे कैसे देख सकते हैं उसके ऊपर आई बी सेवन वन को एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते ओ टी टी में भी एक फिल्म काफ़ी अच्छी छाई हुई थी ओ टी टी राइट से वो डिज्नी प्लस हो स्टार के पास है सेटेलाइट राइट से वो स्टार गोल्ड के पास है डिजनी प्लस होस्टार वालों ने सात जुलाई दो से इस फिल्म को प्रीमियर करवा दिया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पर काफी अच्छी व्यूअरशिप हासिल हुई थी अब इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है फिलहाल में ओ टी के ऊपर तो डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में आई बी सेवन वन नाम के साथ आप देख सकते हो सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी के ऊपर आप इस फिल्म को आई बी सेवन नाम वन नाम के साथ प्रीमियर होते हो बिल्कुल फ्री में भी एंजॉय कर पाओगे सैटेलाइट के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि डिजनी प्लस हॉस्टार के ऊपर इस फिल्म

इंडियन एयरलाइंस हाईजैकिंग जो हुई थी उसके ऊपर बेस्ड है जहाँ पे स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें संकल्प रेड्डी ने की हुई है वैसे स्क्रीन प्ले में संकल्प रेड्डी को स्टोरी हाउस फिल्म एलएलपी अर्जुन वर्मा ई वासुदेवा रेड्डी अरुण भीमावरपू निशिकेश मेहरा गर्गी सिंह और अभिमन्यु श्रीवास्तवा ने मदद की थी जो डायलॉग्स थे उसमें शहर और चुनेद वासी ने काम किया हुआ था स्टोरी के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य शास्त्री ने वो आइडिया पेश किया हुआ था जिसमें बाद में आगे जो डेवलपमेंट थी वो की हुई थी इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि संकल्प रेड्डी ने संकल्प रेड्डी एक काफ़ी आ, एक कैपेबल डायरेक्टर है इससे पहले उन्होंने 2017 की जो द गाजी अटेक फिल्म थी उससे अपना डेब्यू किया था तेलगु हिंदी लैंग्वेज में वो फिल्म बनाई हुई थी उसके बाद में उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट हाथ में पकड़ा अंतरिक्ष सम नाइन हंड्रेड नाइन किलोमीटर पर आवर तेलुगु लैंग्वेज में वरुण तेज को लेते हुए उसमें भी एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म उन्होंने बनाई हुई थी बाद में दो में एक एंथोलॉजी फिल्म थी पिता कथालो उसमें उन्होंने अपना एक शॉर्ट स्टोरी तेलुगु लैंग्वेज में बताया हुआ था पिंकी सेगमेंट था उसमें और उसके बाद में दो तो में फुल फीचर हिंदी फिल्म के लिए उन्होंने राइटिंग और डायरेक्शन में अपना डेब्यू किया आई बी सेवन वन फिल्म के साथ तो ये इनकी फिल्मोग्राफी है इतनी फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है जिसमें उनको काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हुए इस फिल्म के अलावा उन्होंने गाजी फिल्म के लिए का काफ़ी सारे डायरेक्शन में और अलग अलग जगह पे अवार्ड मिले हुए थे जहाँ पे बेस्ट फीचर फिल्म तेलुगु के तौर पे नए सिक्सटी फिफ्थ नेशनल फिल्म अवार्ड इस फिल्म को दिया गया था तो ये अपने आप में बड़ी बात है थे एक अच्छा डेब्यू किया था उसके बाद में उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किया और इस फिल्म के साथ भी वो एक एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आए थे तो नाइनटीन सेवनटी इंडियन एयरलाइंस में जो हाईजेकिंग हुई थी उस समय जो भी घटनाएं घटी थी तो 30 जनवरी 1971 की डेट के ऊपर जो करीबन 29 पैसेंजर थे तो उनके साथ जो भी चीजें हुई थी उसके ऊपर पूरी फिल्म की कहानी को सेटअप किया हुआ है अब बात कर लेते हैं प्रोडक्शन की तो विद्युत जामवाल अब्बास सैयद रिलायंस एंटरटेनमेंट भूषण कुमार और कृष्णा कुमार ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहां पे टी सीरीज फिल्म्स रिलायंस एंटरटेनमेंट एक्शन हीरो फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन 28 करोड़ जितने मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था जिसको रिलायंस एंटरटेनमेंट जो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर थे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था जहाँ पर रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा एक अच्छी रिलीज दिलवाई गई थी फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला था एक मिनट का रन टाइम था यानी कि ये फिल्म एक घंटे और सत्तावन मिनट लंबी देखने को मिलेगी जहाँ पे संदीप फ्रेंसिस जो इस फिल्म के एडिटर थे उन्होंने इस फिल्म को एडिट किया हुआ था तो फिल्म को काफी क्रिस्प रखा हुआ था आनंद शेखर भी इसकी सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है जिन्होंने बखू भी काफी बढ़िया तरीके से कैमरा वर्क दिखाने की कोशिश की हुई थी फिल्म का कैमरा वर्क भी अच्छा था एक्शन कोरियोग्राफी काफी बढ़िया तरीके से की गई थी इसके अलावा जिस तरह से चीज़ों को इसमें डेवलप किया हुआ था वो बढ़िया था स्क्रीन प्ले अच्छा था मेकर्स की तरफ से एक अच्छा इसको टच दिया हुआ था डायरेक्टर ने बखूबी इस फिल्म के साथ एक बढ़िया काम किया हुआ था कुछ चीजें जहाँ पे कुछ फ्लो में चेंजेस करने चाहिए थे कुछ चीज़ों को बेटर किया जा सकता था ओवरऑल एक डिसेंट फिल्म उन्होंने बनाई हुई थी जहां पे इस फिल्म का स्टोरी था जो स्क्रीन प्ले था वो लोगों को पसंद आया हुआ था प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक अच्छा काम देखने को मिला था प्रोडक्शन डिजाइन प्रोडक्शन वीलू काफी बढ़िया नजर आ रही थी आर्ट डायरेक्शन की तरफ से भी एक अच्छा काम देखने को मिलता है एडिटर संदीप फ्रेंसिस ने भी काफी बढ़िया काम किया हुआ था म्यूजिक में जो बैकग्राउंड स्कोर है प्रशांत आर विहारी का देखने को मिलता है इस सॉन्ग से वो विक्रम मंत्रोसो ने कम्पोज

तरीके से सेट किया हुआ था तो इस तरह से काफी वेलमेड तरीके से फिल्म को बनाया गया था। पे जैसे मिलते हैं जो काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ अपना काम देते हुए, नजर आते विद्युत जामवाल काफी बढ़िया तरीके से अपने रोल के साथ इंप्रेसिव नजर आते उनको अनुपम खेर विशाल जेतवा जैसे एक्टर काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म में सपोर्ट कर रहे थे फिल्म के डायलॉग्स अच्छे थे उस पर सभी एक्टर्स ने जिस तरह से अपने किरदार के प्रति अप्रोच दिखाया तो वो बढ़िया था मेकर्स ने डायरेक्टर ने काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने ये सभी चीज़ें उनसे अच्छी परफॉर्मेंसेस निकलवाई हुई थी कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो विद्युत जामवाल जामवाल लीड रोल में देखने को मिलते हैं जिन्होंने एजेंट देव का रोल प्ले किया हुआ है अनुपम खेर ने आई चीफ एन एस अवस्थी का रोल प्ले किया हुआ था विशाल जेतवाग को कासिम कुरैसी का रोल दिया गया था फैजान खान ने अशफाक कुरैसी का रोल प्ले किया हुआ है सूरा को सिकंदर का रोल दिया हुआ था सूरज जोशी को एजेंट संग्राम का रोल दिया हुआ था हॉबीद अली अब्दुल हामिद खान के रोल में दिखाई देते अशत भट्ट ने फिल्म में आई चीफ अफजल आगा का रोल प्ले किया हुआ दलीप ताहिलो का रोल प्ले करते हुए नजर आए थे सानवान प्रधान ने इसमें खान का रोल प्ले किया हुआ है मीर ने पुलिस का रोल प्ले किया हुआ था नरेश मलिक ने मकबूल भट्ट का रोल प्ले किया हुआ था निरहारी का राईजादा जो आई एजेंट एयर होस्टेस के रोल में दिखाई देती है विजय आनंद जो इसमें फ्लाइट कैप्टन के रोल में दिखाई दिए थे तबन मजमूदार के रोल में शाहिदुर रहमान देखने को मिलते प्यारिली नाइनी ने इसमें शिमला स्टेशन मैनेजर का रोल प्ले किया हुआ है अमित आनंद राउत को लाहौर पुलिस ऑफिसर का रोल दिया गया था रजत रॉय को आई बी ऑफिसर का रोल दिया गया था नरिंदर भूतानी ने इसमें इंडियन एजेंट पैसेंजर का रोल प्ले किया हुआ है सवाना खान ने शीला यानी कि एक पैसेंजर का रोल प्ले किया हुआ था तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो दो हजार में इस आइडिया को एक प्रोजेक्ट के तौर पर डेवलप करने का सोचा गया था उसके बाद में इसके डिरेक्टर ने पहले तो ये आइडिया डायरेक्टर को पसंद आया उन्होंने इसके ऊपर स्क्रिप्ट प्ले तैयार किया और उसके बाद में इस फिल्म के प्रोड्यूसर को उनको सुनाया और इस फिल्म के लीड एक्टर यानी कि विजय जामवाल को भी आइडिया पसंद आया प्रोडक्शन हाउसेज को भी पसंद आया उसके ऊपर फिल्म बनाने का फैसला लिया गया उसके बाद में एक रूमर्स तो आ रही थी कि ऐसा कुछ होने वाला है लेकिन बाद में ऑफिशियली मेकर्स के द्वारा ही अनाउंस किया गया था कि वो एक फिल्म लेके आ रहे हैं जहाँ पे प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो जनवरी 2022 मुंबई में स्टार्ट की गई थी और मार्च 2022 में अनुपम खेर ने सेट ज्वाइन किया था उसके बाद में एक दो महीने और शूटिंग चली थी और पूरी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करवाने के बाद फिल्म को प्रोडक्शन के लिए पोस्ट प्रोडक्शन के लिए भेजा गया जहाँ पर डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग और म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया गया और उसके बाद में फिल्म को तैयार करवाया गया जहाँ पर सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिया गया और बाद में थिएट्रिकली फिल्म रिलीज़ करवाया गया जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के वन ऑफ द प्रोड्यूसर यानी कि टी सीरीज फिल्म से वही इस फिल्म को ये फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदते हुए नज़र आए बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों के राइट्स उन्होंने खरीदे हुए थे जहाँ पे जो गाने हैं वो विक्रम मोन्तोसा ने कंपोज किया हुआ था वहीं पर जो बैकग्राउंड स्कोर था वो प्रशांत आर बिहारी ने कंपोज़ किया हुआ था फिल्म में सिर्फ एक ही गाना रखा हुआ था विजया भावा जिसके लिरिक्स अभिनव शेखर ने लिखे हुए थे साबाद फरीदी ने उसको गाया हुआ था चार मिनट ग्यारह सेकंड का वो लेंथ के गाना था जो अभी फिलहाल में अगर आपको सुनना है

इस फिल्म ने हासिल की हुई थी जहाँ पे इस फिल्म ने एक डिसेंट काइंड ऑफ ओपनिंग हासिल की हुई थी जहाँ पे पहले दिन एक करोड़ पचपन लाख का नेट कलेक्शन किया था फिल्म ने दूसरे दिन इस फिल्म ने एक सिक्सटी परसेंट का ग्रोथ दिखाया दो करोड़ तिरपन लाख का ग्रोथ कलेक्शन सॉरी नेट कलेक्शन किया संडे के दिन फिल्म ने बाईस जितना और ग्रोथ दिखाया सैटरडे के मुकाबले जहाँ पे तीन करोड़ दस लाख का नेट कलेक्शन निकल के आया तो इस फिल्म का जो पहला वीकेंड था वो करीबन सात करोड़ अट्ठारह लाख का निकला हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने मंडे के

हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने सेकंड मंडे के ऊपर अट्ठावन लाख का नेट कलेक्शन किया ट्यूजे के ऊपर बावन लाख का नेट कलेक्शन के ऊपर पचास लाख का नेट कलेक्शन किया थर्सडे के ऊपर का नेट कलेक्शन किया जिसके चलते दूसरे वीक में इस फिल्म ने करोड़ चवालीस लाख का कलेक्शन किया तो पहले और दूसरे वीक का जो कलेक्शन था वो टोटल हुआ पंद्रह करोड़ पैंतालीस लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से उसके बाद में थर्ड फ्राइडे के ऊपर फिल्म ने अड़तीस लाख का नेट कलेक्शन किया सैटरडे के ऊपर करीब एक सौ जितना ग्रोथ दिखा जहां पे छियासी लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया संडे के दिन 94 फोर लेख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने थर्ड वीकेंड में करीबन दो करोड़ अट्ठारह लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में थर्ड मंडे के दिन इस फिल्म ने पैंतीस लाख का, का कलेक्शन किया उसके बाद में ट्यूडे के दिन अड़तीस लाख का कलेक्शन किया वेनेसडे के दिन थर्टी लाख का कलेक्शन किया और थर्सडे के दिन ट्वेंटी लाख का कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म ने करीबन तीन वीक के अंदर बीस लाख तीन लाख बीस करोड़ तीन लाख का कलेक्शन किया और उसके बाद में इस फिल्म ने चौथे वीक में एक करोड़ पिचासी लाख का कलेक्शन किया पांचवे वीक में एक करोड़ दस लाख का कलेक्शन किया और छठे वीक में पंद्रह लाख का कलेक्शन किया हुआ था तो इस टोटल कलेक्शन होता है छह वीक का तेईस करोड़ तेरह लाख तो इंडिया से तेईस करोड़ तेरह लाख का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन इस फिल्म ने निकाला जिसका ग्रोस होता है सत्ताईस करोड़ चौवन लाख उसके बाद में ओवरसीज में इस फिल्म ने एक करोड़ पैंसठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने उन्तीस करोड़ उन्नीस लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था बजट था अट्ठाइस करोड़ उन्तीस करोड़ उन्नीस लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए है। इस फिल्म ने एक एवरेज का टेग हासिल किया था वैसे फिल्म काफी बढ़िया थी लेकिन कुछ कंपटीशन थे फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पे जिसके चलते स्क्रीनस कम मिली हुई थी स्टार्टिंग से ही फिल्म ने आपने देखा जैसे कि छह वीक तक लंबा रन लिया था थोड़ा थोड़ा कलेक्शन कर रही थी क्योंकि स्क्रीन्स जो मिली थी जो शो की टाइमिंग थी वो काफी ज्यादा और टाइमिंग थी जिसके चलते फिल्म को जो कलेक्शन करना था जो पोटेंशियल हो था फिल्म का वो नहीं हो पाया जिसके चलते अट्ठाईस करोड़ बजट के सामने उन्तीस करोड़ और उन्नीस लाख का ही कलेक्शन निकल के आया ग्रोस कलेक्शन अदरवाइज ये फिल्म शायद पचास करोड़ से ऊपर का पोटेंशियल रखती थी तो एक सक्सेसफुल फिल्म हो सकती थी वैसे फ्लॉप तो नहीं है फिल्म लेकिन एक एवरेज ग्रोसर फिल्म साबित हुई है जहाँ पे आई से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है इकहत्तर वोट में सात चार की रेटिंग हासिल हुई है में से तो एक अच्छी रेटिंग है अब बात करें इस फिल्म को अब ओ और सेटेलाइट पे कैसे देख सकते हैं उसके ऊपर आई बी को एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते ओ टी टी में भी एक फिल्म काफ़ी अच्छी छाई हुई थी ओ टी टी राइट से वो डिजनी प्लस हो के पास है सेटेलाइट राइट से वो स्टार गोल्ड के पास है

आप इन्जॉय कर सकते हो ऑफिशियली जहां पे आई बी सेवन वन नाम के साथ इस फिल्म को प्रीमियर है जहां पे इस फिल्म को विद विद आप बिल्कुल फ्री में हिंदी वर्जन में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर सकते हो आई बी सेवन वन जो दो हजार तेईस की इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है यह फिल्म नाइन इंडियन एयरलाइंस हाईजेकिंग जो हुई थी उसके ऊपर बेस्ड है जहाँ पे स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले सभी चीज़ें संकल्प रेड्डी ने की हुई है वैसे स्क्रीन प्ले में संकल्प रेड्डी को स्टोरी हाउस फिल्म एलएलपी अर्जुन वर्मा ई वासुदेवा रेड्डी अरुण भीमावरपू निशिकेश मेहरा गर्गी सिंह और अभिमन्यु श्रीवास्तवा ने मदद की थी जो डायलॉग्स से उसमें शहर कायज और चुनेद वासी ने काम किया हुआ था स्टोरी के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य शास्त्री ने वो आइडिया पेश किया हुआ था जिसमें बाद में आगे जो डेवलपमेंट थी वो की हुई थी इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि संकल्प रेड्डी ने संकल्प रेड्डी एक काफ़ी आ, एक कैपेबल डायरेक्टर है इससे पहले उन्होंने 2017 की जो द गाजी अटिक फिल्म थी उससे अपना डेब्यू किया था तेलुगु हिंदी लैंग्वेज में वो फिल्म बनाई हुई थी उसके बाद में उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट हाथ में पकड़ा अंतरिक्ष सम नाइन हंड्रेड नाइन किलोमीटर पर आवर तेलुगू लैंग्वेज में वरुण तेज को लेते हुए उसमें भी एक, एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म उन्होंने बनाई हुई थी बाद में दो में एक एंथोलॉजी फिल्म थी पिता कथालो उसमें उन्होंने अपना एक शॉर्ट स्टोरी तेलुगु लैंग्वेज में बताया हुआ था पिंकी सेगमेंट था उसमें और उसके बाद में दो तो में फुल फीचर हिंदी फिल्म के लिए उन्होंने राइटिंग और डायरेक्शन में अपना डेब्यू किया आई बी सेवन वन फिल्म के साथ तो ये इनकी फिल्मोग्राफी है इतनी फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है जिसमें उनको काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हुए इस फिल्म के अलावा उन्होंने गाजी फिल्म के लिए का काफ़ी सारे डिरेक्शन में और अलग अलग जगह पे अवार्ड मिले हुए थे जहाँ पे बेस्ट फीचर फिल्म तेलुगू के तौर पे नए सिक्सटी फिफ्थ नेशनल फिल्म अवार्ड इस फिल्म को दिया गया था तो ये अपने आप में बड़ी बात है थे एक अच्छा डेब्यू किया था उसके बाद में उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए और इस फिल्म के साथ भी वो एक एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आए थे तो नाइनटीन सेवेंटी इंडियन एयरलाइंस में जो हाईजेकिंग हुई थी उस समय जो भी घटनाएं घटी थी तो 30 जनवरी 1971 की डेट के ऊपर जो करीबन 29 पैसेंजर थे तो उनके साथ जो भी चीज़ें हुई थी उसके ऊपर पूरी फिल्म की कहानी को सेटअप किया हुआ है अब बात कर लेते हैं प्रोडक्शन की तो विद्युत जामवाल अब्बास सैयद रिलायंस एंटरटेनमेंट भूषण कुमार और कृष्णा कुमार ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहां पे टी सीरीज फिल्म्स रिलायंस एंटरटेनमेंट एक्शन हीरो फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन 28 करोड़ जितने मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था जिसको रिलायंस एंटरटेनमेंट जो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर थे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था जहाँ पर रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा एक अच्छी रिलीज दिलवाई गई थी फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला था एक मिनट का रन टाइम था यानी कि ये फिल्म एक घंटे और सत्तावन मिनट लंबी देखने को मिलेगी जहाँ पे संदीप फ्रेंसिस इस फिल्म के एडिटर थे उन्होंने इस फिल्म को एडिट किया हुआ था तो फिल्म को काफी क्रिस्प रखा हुआ था आनंद शेखर वी एस की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है जिन्होंने बखूबी काफी बढ़िया तरीके से कैमरा वर्क दिखाने की कोशिश की हुई थी फिल्म का कैमरा वर्क भी अच्छा था एक्शन कोरियोग्राफी काफी बढ़िया तरीके से की गई थी इसके अलावा जिस तरह से चीज़ों को इसमें डेवलप किया हुआ था वो बढ़िया था स्क्रीन प्ले अच्छा था मेकर्स की तरफ से एक अच्छा इसको टच दिया हुआ था डायरेक्टर ने बखूबी इस फिल्म के साथ एक बढ़िया काम किया हुआ था कुछ चीजें जहां पे कुछ फ्लो में चेंजेस चीज़ करने चाहिए थे कुछ चीजों को बेटर किया जा सकता था ओवरऑल एक डिसेंट फिल्म उन्होंने बनाई हुई थी जहां पे इस फिल्म का स्टोरी था जो स्क्रीन प्ले था वो लोगों को पसंद आया हुआ था प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक अच्छा आ, काम देखने को मिला था प्रोडक्शन डिजाइन प्रोडक्शन वैल्यू काफी बढ़िया नजर आ रही थी आर्ट डायरेक्शन की तरफ से भी एक अच्छा काम देखने को मिलता है एडिटर संदीप फ्रेंसिस ने भी काफी बढ़िया काम किया हुआ था म्यूजिक में जो बैकग्राउंड स्कोर है प्रशांत आर बिहारी का देखने को मिलता है इस सॉन्ग से वो विक्रम मंत्रोसो ने कम्पोज ए हुए थे फिल्म में एक गाना था जिसको टी सीरीज वालों ने अपने पास राइट्स रखे हुए थे बैकग्राउंड बैकग्राउंड स्कोर स्कोर सॉन्ग्स के वहीं पे इस फिल्म का जो है, जो है सीन्स आ रहे थे जिस तरह से चीजों को दिखाया जा रहा था एक स्पाई थ्रिलर फिल्म थी तो उस हिसाब से जो सीक्वेंस थे उसो सीन्स से थ्रिलिंग सीन स्पाई थ्रिलर के रिलेटेड उसमें जो बीजीएम था वो काफी बढ़िया था जो काफी अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा था सीन को एलिवेट करने की कोशिश कर रहा था सॉन्ग्स थे विक्रम मंत्री के द्वारा कंपोज किए गए थे एक गाना को तो वो भी गाना अच्छा तरीके से सेट किया हुआ था तो इस तरह से टेक्निकली काफी वेलमेड तरीके से फिल्म को बनाया गया था जहां पे आर्टिस्ट जैसे कि जामवाल अनुपम खेर विशाल जीतवा फैजल खान और डेनी सूरा जैसे कई और भी आर्टिस्ट देखने को मिलते जो काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ अपना काम देते हुए नजर आते विद्युत जामवाल काफी बढ़िया तरीके से अपने रोल के साथ इंप्रेसिव नजर आते उनको अनुपम खेर विशाल जेतवा जैसे एक्टर काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म में सपोर्ट कर रहे थे फिल्म के डायलॉग्स अच्छे थे उस पर सभी एक्टर्स ने जिस तरह से अपने किरदार के तर प्रति दिखाया तो वो बढ़िया था मेकर्स ने डायरेक्टर ने काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने ये सभी चीज़ें उनसे अच्छी परफॉर्मेंसेस हुई थी कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो विद्युत जामवाल लीड रोल में देखने को मिलते आई बी एजेंट देव जामवाल का रोल प्ले किया हुआ है अनुपम खेर ने आई चीफ एन एस अवस्थी का रोल प्ले किया हुआ था विशाल जेतवाग तो को कासिम कुरैसी का रोल दिया गया था फैजान खान ने अशफाक कुरैसी का रोल प्ले किया हुआ है डेनिसरा को सिकंदर का रोल दिया हुआ था सूरज जोशी को एजेंट संग्राम का रोल दिया हुआ था बिद अली अब्दुल हामिद खान के रोल में दिखाई देते अशत भट्ट ने फिल्म में आई एस आई चीफ अफजल ताहिल इस फिल्म में खर अली भुट्टो का रोल प्ले करते हुए नजर आए थे सानवान प्रधान ने इसमें यहाया खान का रोल प्ले किया हुआ है मीर ने एस आई जे के पुलिस का रोल प्ले किया हुआ था नरेश मलिक ने मकबूल भट्ट का रोल प्ले किया हुआ था का निरहारिकाइसादा जो आई एजेंट एयर होस्टेस के रोल में दिखाई देती है विजय आनंद जो इसमें फ्लाइट कैप्टन के रोल में दिखाई दिए थे तबन मजमूदार के रोल में शाहिदुर रहमान देखने को मिलते थे प्यारेली नाइनी ने इसमें शिमला स्टेशन मैनेजर का रोल प्ले किया हुआ है अमित आनंद राउत को लाहौर पुलिस ऑफिसर का रोल दिया गया था रजत रॉय को आईबी ऑफिसर का रोल दिया गया था नरिंदर भूतानी ने इसमें इंडियन एजेंट पैसेंजर का रोल प्ले किया हुआ है सबाना खान ने शिला यानी कि एक पैसेंजर का रोल प्ले किया हुआ था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो दो हजार में इस आइडिया को एक प्रोजेक्ट के तौर पर डेवलप करने का सोचा गया था उसके बाद में इस के डरेक्टर ने पहले तो ये डायरेक्टर को पसंद आया उन्होंने इसके ऊपर स्क्रिप्ट तैयार किया और उसके बाद में इस फिल्म के प्रोड्यूसर को उनको सुनाया और इस फिल्म के लीड एक्टर यानी कि विजय जामवाल को भी आइडिया पसंद आया प्रोडक्शन हाउसेस को भी पसंद आया उसके ऊपर फिल्म बनाने का फैसला लिया गया उसके बाद में एक रूमर्स तो आ रही थी कि ऐसा कुछ होने वाला है लेकिन बाद में ऑफिशियली मेकर्स के द्वारा ये अनाउंस किया गया था कि वो एक फिल्म लेके आ रहे हैं जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो जनवरी 2022 मुंबई में स्टार्ट की गई थी और मार्च 2022 में अनुपम खेर ने सेट ज्वाइन किया था उसके बाद में एक दो महीने और शूटिंग चली थी और पूरी फिल्म की शूटिंग कम्प्लीट करवाने के बाद फिल्म को प्रोडक्शन के लिए पोस्ट प्रोडक्शन के लिए भेजा गया जहाँ पर डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग और म्यूज़िक डिपार्टमेंट में काम किया गया और उसके बाद में फिल्म को तैयार करवाया गया जहाँ पर सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिया गया और बाद में थिएट्रिकली फिल्म को रिलीज़ करवाया गया जहाँ पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के वन ऑफ द प्रोड्यूसर यानी कि टी सीरीज फिल्म वही इस फिल्म को फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदते हुए नजर आए बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों के राइट्स उन्होंने खरीदे हुए थे जहाँ पे जो गाने हैं वो विक्रम मोन्त्र से कंपोज किया हुआ था वहीं पर जो बैकग्राउंड स्कोर था वो प्रशांत आर विहारी ने कंपोज किया हुआ था फिल्म में सिर्फ एक ही गाना रखा हुआ था विजया भावा जिसके लिरिक्स अभिनव शेखर ने लिखे हुए थे साबादा फरीदी ने उसको गाया हुआ था चार मिनट ग्यारह सेकंड का वो लेंथ के गाना था जो अभी फ़िलहाल में अगर आपको सुनना है वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे टी सीरीज में क्योंकि ऑफिशियली यूट्यूब चैनल के ऊपर अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की रिलीज के ऊपर जहां पे इस फिल्म को 12 मई 2023 को थिएटर में रिलीज किया गया था हिंदी लैंग्वेज में जब रिलीज किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल हुआ फिल्म को जहां पे 7100 वोट फिल्म को IMDb पे मिले जिसमें 7.4 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से तो एक अच्छी डिसेंट्रिक इस फिल्म ने हासिल की हुई थी जहां पे इस फिल्म ने एक डिसेंट काइंड ऑफ ओपनिंग हासिल की हुई थी जहां पहले दिन एक करोड़ पचपन लाख का नेट कलेक्शन किया था फिल्म फिल्म ने ने दूसरे दिन इस फिल्म ने एक 60 का ग्रोथ दिखाया दो करोड़ तिरपन लाख का कलेक्शन कलेक्शन सॉरी नेट किया संडे के दिन फिल्म ने बाईस जितना और ग्रोथ दिखाया सैटरडे के मुकाबले जहां पर तीन करोड़ दस लाख का नेट कलेक्शन निकल के आया तो इस फिल्म का जो पहला वीकेंड था वो करीबन सात करोड़ अट्ठारह लाख का निकला हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने मंडे के

हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने सेकंड मंडे के ऊपर अट्ठावन लाख का नेट कलेक्शन किया टूजे के ऊपर बावन लाख का नेट कलेक्शन के ऊपर पचास लाख का नेट कलेक्शन किया थर्सडे के ऊपर का नेट कलेक्शन किया जिसके चलते दूसरे वीक में इस फिल्म ने चार करोड़ चवालीस लाख का कलेक्शन किया तो पहले और दूसरे वीक का जो कलेक्शन था वो टोटल हुआ पंद्रह करोड़ पैंतालीस लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से उसके बाद में थर्ड फ्राइडे के ऊपर फिल्म ने अड़तीस लाख का नेट कलेक्शन किया सैटरडे के ऊपर उसमें करीबन एक जितना ग्रोथ दिखा जहां पे छियासी लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया संडे के दिन 94 फोर लेख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने थर्ड वीकेंड में करीबन दो करोड़ अट्ठारह लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में थर्ड मंडे के दिन इस फिल्म ने पैंतीस लाख का कलेक्शन किया उसके बाद में ट्यूजडे के दिन अड़तीस लाख का कलेक्शन किया वेनेस्डे के दिन थर्टी लाख का कलेक्शन किया और थर्सडे के दिन ट्वेंटी लाख का कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म ने करीबन तीन वीक के अंदर बीस लाख तीन लाख बीस करोड़ तीन लाख का कलेक्शन किया और उसके बाद में इस फिल्म ने चौथे वीक में करोड़ पिचासी लाख का कलेक्शन किया पांचवे वीक में एक करोड़ दस लाख का कलेक्शन किया और छठे वीक में पंद्रह लाख का कलेक्शन किया हुआ था तो इस टोटल कलेक्शन होता है छ वीक का तेईस करोड़ तेरह लाख तो इंडिया से तेईस करोड़ तेरह लाख का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन इस फिल्म ने निकाला जिसका ग्रोस होता है सत्ताईस करोड़ चौवन लाख उसके बाद में ओवरसीज में इस फिल्म ने एक करोड़ पैंसठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते वर्ल्ड वाइड इस फिल्म में उन्तीस करोड़ उन्नीस लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था बजट था अट्ठाइस करोड़ उन्तीस करोड़ उन्नीस लाख का ग्रोस कलेक्शन करते है। इस फिल्म ने एक एवरेज का टैग हासिल किया था वैसे फिल्म काफी बढ़िया थी लेकिन कुछ कंपटीशन थे फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पे जिसके चलते कम मिली हुई थी स्टार्टिंग से ही फिल्म ने आपने देखा जैसे कि छह वीक तक लंबा रन लिया था थोड़ा थोड़ा कलेक्शन कर रही थी क्योंकि स्क्रीन जो मिली थी जो शो की टाइमिंग थी वो काफी ज्यादा ओवर टाइमिंग थी जिसके चलते फिल्म को जो कलेक्शन करना था जो पोटेंशियल हो था फिल्म का वो नहीं हो पाया जिसके चलते अट्ठाईस करोड़ बजट के सामने उनतीस करोड़ और उन्नीस लाख का कलेक्शन निकल के आया ग्रोस कलेक्शन अदरवाइज ये फिल्म शायद पचास करोड़ से ऊपर का पोटेंशियल रखती थी तो एक सक्सेसफुल फिल्म हो सकती थी वैसे फ्लॉप तो नहीं है फिल्म लेकिन एक एवरेज ग्रोसर फिल्म साबित हुई है जहाँ पे आई से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है इकहत्तर सौ वोट में सात के रेटिंग हासिल हुई है में से तो एक अच्छी रेटिंग है अब बात करें इस फिल्म को अब ओ और सैटेलाइट पे कैसे देख सकते हैं उसके ऊपर आई बी सेवन वन को एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते ओ टी टी भी एक फिल्म काफ़ी अच्छी छाई हुई थी ओ टी टी राइट से वो डिजनी प्लस वो स्टार के पास है सैटेलाइट राइट से वो स्टार गोल्ड के पास है

इंडियन एयरलाइंस हाईजेकिंग जो हुई थी उसके ऊपर बेस्ड है जहाँ पे स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें संकल्प रेड्डी ने की हुई है वैसे स्क्रीन प्ले में संकल्प रेड्डी को स्टोरी हाउस फिल्म एलएलपी अर्जुन वर्मा ई वासुदेवा रेड्डी अरुण भीमावरपू ऋषिकेश मेहरा गर्गी सिंह और अभिमन्यु श्रीवास्तवा ने मदद की थी जो डायलॉग्स थे उसमें शहर कायस और जुनेद वासी ने काम किया हुआ था स्टोरी के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य शास्त्री ने वो आइडिया पेश किया हुआ था जिसमें बाद में आगे जो डेवलपमेंट थी वो की हुई थी इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि संकल्प रेड्डी ने संकल्प रेड्डी एक काफ़ी एक कैपेबल डायरेक्टर है इससे पहले उन्होंने 2017 की जो द गाजी अटेक फिल्म थी उससे अपना डेब्यू किया था तेलगु हिंदी लैंग्वेज में वो फिल्म बनाई हुई थी उसके बाद में उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट हाथ में पकड़ा अंतरिक्षम नाइन हंड्रेड किलोमीटर पर आवर तेलुगू लैंग्वेज में वरुण तेज को लेते हुए उसमें भी एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म उन्होंने बनाई हुई थी बाद में दो में एक एंथोलॉजी फिल्म थी पिता कथा लो उसमें उन्होंने अपना एक शॉर्ट स्टोरी तेलुगू लैंग्वेज में बताया हुआ था पिंकी सेगमेंट था उसमें और उसके बाद में दो इस में फुल फीचर हिंदी फिल्म के लिए उन्होंने राइटिंग और डायरेक्शन में अपना डेब्यू किया आई बी सेवन वन फिल्म के साथ तो ये इनकी फिल्मोग्राफी है इतनी फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है जिसमें उनको काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हुए इस फिल्म के अलावा उन्होंने गाजी फिल्म के लिए काफ़ी सारे डायरेक्शन में और अलग अलग जगह पे अवार्ड मिले हुए थे जहाँ पे बेस्ट फीचर फिल्म तेलुगु के तौर पे नए सिक्सटी फिफ्थ नेशनल फिल्म अवार्ड इस फिल्म को दिया गया था तो ये अपने आप में बड़ी बात है थी एक अच्छा डेब्यू किया था उसके बाद में उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए और इस फिल्म के साथ भी वो एक एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आए थे तो नाइनटीन सेवेंटी इंडियन एयरलाइंस में जो हाईजेकिंग हुई थी उस समय जो भी घटनाएं घटी थी तो 30 जनवरी 1971 की डेट के ऊपर जो करीबन 29 पैसेंजर थे तो उनके साथ जो भी चीजें हुई थी उसके ऊपर पूरी फिल्म की कहानी को सेटअप किया हुआ है अब बात कर लेते हैं प्रोडक्शन की तो विद्युत जामवाल अब्बास सैयद रिलायंस एंटरटेनमेंट भूषण कुमार और कृष्णा कुमार ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे टी सीरीज फिल्म्स रिलायंस एंटरटेनमेंट एक्शन हीरो फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन अट्ठाईस करोड़ जितने मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था जिसको रिलायंस एंटरटेनमेंट जो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर थे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था जहाँ पे रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा एक अच्छी रिलीज दिलवाई गई थी फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला था एक मिनट का रन टाइम था यानी कि फिल्म एक घंटे और सत्तावन मिनट लंबी देखने को मिलेगी जहां पे संदीप फ्रेंसिस हुआ था तो फिल्म को काफी क्रिस्प रखा हुआ था आनंद शेखर वी एस की जिन्होंने बखूबी बढ़िया तरीके से कैमरा वर्क दिखाने की कोशिश की हुई थी फिल्म का कैमरा वर्क वगैरह अच्छा था एक्शन कोरियोग्राफी काफी बढ़िया तरीके से की गई थी इसके अलावा जिस तरह से चीजों को इसमें डेवलप किया हुआ था वो बढ़िया था स्क्रीन प्ले अच्छा था मेकर्स की तरफ से एक अच्छा इसको टच दिया हुआ था डायरेक्टर ने बखूबी फिल्म के साथ एक बढ़िया

किया हुआ था तो इस तरह से टेक्निकली टेक्निकलीफी वेलमेड तरीके से फिल्म को बनाया गया था जहां जामवाल अनुपम खेर विशाल खान और डेनी सूरा जैसे कई और भी आर्टिस्ट देखने को मिलते जो काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ अपना काम देते हुए नजर आते विद्युत जामवाल काफी बढ़िया तरीके से अपने रोल के साथ इंप्रेसिव नजर आते उनको अनुपम खेर विशाल जेतवा जैसे एक्टर काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म में सपोर्ट कर रहे थे फिल्म के डायलॉग्स अच्छे थे उस पर सभी एक्टर्स ने जिस तरह से अपने किरदार के तर प्रति अपने तो वो बढ़िया था मेकर्स ने डायरेक्टर ने काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने ये सभी चीज़ें उनसे अच्छी परफॉर्मेंसेस निकलवाई हुई थी कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो विद्युत जामवाल लीड रोल में देखने को मिलते हैं जिन्होंने आई एजेंट देव जामवाल का रोल प्ले किया हुआ है अनुपम खेर ने आई चीफ एन एस अवस्थी का रोल प्ले किया हुआ था विशाल जेतवाग तो को कासिम कुरैसी का रोल दिया गया था फ़ैजान खान ने अशफाक कुरैसी का रोल प्ले किया हुआ है डेनिसरा को सिकंदर का रोल दिया हुआ था सूरज जोशी को एजेंट संग्राम का रोल दिया हुआ था बिद अब्दुल हामिद खान के रोल में दिखाई देते अश्वत भट्ट ने इस फिल्म में

प्यारिली नाइनी ने इसमें शिमला स्टेशन मैनेजर का रोल प्ले किया हुआ है अमित आनंद राउत को लाहौर पुलिस ऑफिसर का रोल दिया गया था रजत रॉय को आईबी ऑफिसर का रोल दिया गया था नरेंद्र भूतानी ने इसमें इंडियन एजेंट पैसेंजर का रोल प्ले किया हुआ है सबाना खान ने शिला यानी कि एक पैसेंजर का रोल प्ले किया हुआ था तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो दो हजार में इस आइडिया को एक प्रोजेक्ट के तौर पर डेवलप करने का सोचा गया था उसके बाद में इसके डायरेक्टर ने पहले तो ये डायरेक्टर को पसंद आया उन्होंने इसके ऊपर स्क्रिप्ट तैयार किया और उसके बाद में इस फिल्म के प्रोड्यूसर को उनको सुनाया और इस फिल्म के लीड एक्टर यानी कि विजय जामवाल को भी आइडिया पसंद आया प्रोडक्शन हाउसेस को भी पसंद आया उसके ऊपर फिल्म बनाने का फैसला लिया गया उसके बाद में एक रूमर्स तो आ रही थी कि ऐसा कुछ होने वाला है लेकिन बाद में ऑफिशियली मेकर्स के द्वारा ही अनाउंस किया गया था कि वो एक फिल्म लेके आ रहे जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो जनवरी 2022 मुंबई में स्टार्ट की गई थी और मार्च 2022 में अनुपम खेर ने सेट ज्वाइन किया था उसके बाद में एक दो महीने और शूटिंग चली थी और पूरी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करवाने के बाद फिल्म को प्रोडक्शन के लिए पोस्ट प्रोडक्शन के लिए भेजा गया जहाँ पर डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग और म्यूजिक डिपार्टमेंट में काम किया गया और उसके बाद में फिल्म को तैयार करवाया गया जहाँ पे सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिया गया और बाद में थिएट्रिकली फिल्म रिलीज करवाया गया जहां पे म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के वन ऑफ द प्रोड्यूसर यानी कि टी सीरीज फिल्म वही इस फिल्म को फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदते हुए नजर आए बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों के राइट्स उन्होंने खरीदे हुए थे जहाँ जो गाने हैं वो विक्रम मोन्सा ने कम्पोज किया हुआ था वहीं पर जो बैकग्राउंड स्कोर था वो प्रशांत आर बिहारी ने कंपोज किया हुआ था फिल्म में सिर्फ एक ही गाना रखा हुआ था विजया भावा जिसके लिरिक्स अभिनव शेखर ने लिखे हुए थे साबाद फरीदी ने उसको गाया हुआ था चार मिनट ग्यारह सेकंड का वो लेंथ के गाना था जो अभी फिलहाल में अगर आपको सुनना है इस वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे टी सीरीज म्यूजिक के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल के ऊपर अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की रिलीज के ऊपर जहां पे इस फिल्म को 12 मई 2023 को थिएटर में रिलीज किया गया था हिंदी लैंग्वेज में जब रिलीज किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल हुआ फिल्म को जहां पे 7100 वोट फिल्म को IMDb पे मिले जिसमें 7.4 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से तो एक अच्छी डिसेंटरेटिक इस फिल्म ने हासिल की हुई थी जहां पे इस फिल्म ने एक डिसेंट काइंड ऑफ ओपनिंग हासिल की हुई थी जहाँ पे पहले दिन एक करोड़ पचपन लाख का नेट कलेक्शन किया था फिल्म ने दूसरे दिन इस फिल्म ने एक सिक्सटी सिक्सटी परसेंट का ग्रोथ दिखाया दो करोड़ तिरपन लाख का ग्रोथ कलेक्शन सॉरी नेट कलेक्शन किया संडे के दिन फिल्म ने बाईस जितना और ग्रोथ दिखाया सैटरडे के मुकाबले जहाँ पे तीन करोड़ दस लाख का नेट कलेक्शन निकल के आया तो इस फिल्म का जो पहला वीकेंड था वो करीबन सात करोड़ अट्ठारह लाख का निकला हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने मंडे के

हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने सेकंड मंडे के ऊपर अट्ठावन लाख का नेट कलेक्शन किया ट्यूजे के ऊपर बावन लाख का नेट कलेक्शन के ऊपर पचास लाख का नेट कलेक्शन किया थर्सडे के ऊपर का नेट कलेक्शन किया जिसके चलते दूसरे वीक में इस फिल्म ने चार करोड़ चवालीस लाख का कलेक्शन किया तो पहले और दूसरे वीक का जो कलेक्शन था वो टोटल हुआ पंद्रह करोड़ पैंतालीस लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से उसके बाद में थर्ड फ्राइडे के ऊपर फिल्म ने अड़तीस लाख का नेट कलेक्शन किया सैटरडे के ऊपर उसमें करीबन एक जितना ग्रोथ दिखा जहां पे छियासी लाख का इस फिल्म कलेक्शन क्न किया संडे के दिन 94 फोर लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने थर्ड वीकेंड में करीबन दो करोड़ अट्ठारह लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में थर्ड मंडे के दिन इस फिल्म ने लाख का कलेक्शन किया उसके बाद में ट्यूडे के दिन अड़तीस लाख का कलेक्शन किया वेने के दिन थर्टी लाख का कलेक्शन किया और थर्सडे के दिन ट्वेंटी लाख का कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म ने करीबन तीन वीक के अंदर बीस लाख तीन लाख बीस करोड़ तीन लाख का कलेक्शन किया और उसके बाद में इस फिल्म ने चौथे वीक में करोड़ पिचासी लाख का कलेक्शन किया पांचवे वीक में एक करोड़ दस लाख का कलेक्शन किया और छठे वीक में पंद्रह लाख का कलेक्शन किया हुआ था तो इस टोटल कलेक्शन होता है वीक का करोड़ तेरह लाख तो इंडिया से करोड़ लाख का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन इस फिल्म ने निकाला जिसका होता है सत्ताइस करोड़ चौवन लाख उसके बाद में ओवरसीज में इस फिल्म ने एक करोड़ पैंसठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने उन्तीस करोड़ उन्नीस लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था बजट था अट्ठाइस करोड़ उन्तीस करोड़ उन्नीस लाख का ग्रोस कलेक्शन करते है। इस फिल्म ने एक एवरेज का टेग हासिल किया था वैसे फिल्म काफी बढ़िया थी लेकिन कुछ कंपटीशन थे फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पे जिसके चलते कम मिली हुई थी स्टार्टिंग से ही फिल्म ने आपने देखा जैसे कि वीक तक लंबा रन लिया था थोड़ा थोड़ा कलेक्शन कर रही थी क्योंकि स्क्रीन जो मिली थी जो शो की टाइमिंग थी वो काफी ज्यादा ओवर टाइमिंग थी जिसके चलते फिल्म को जो कलेक्शन करना था जो पोटेंशियल हो था फिल्म का वो नहीं हो पाया जिसके चलते अट्ठाईस करोड़ बजट के सामने उन्तीस करोड़ और उन्नीस लाख का एक कलेक्शन निकल के आया ग्रोस कलेक्शन अदरवाइज ये फिल्म शायद पचास करोड़ से ऊपर का पोटेंशियल रखती थी तो एक सक्सेसफुल फिल्म हो सकती थी वैसे फ्लॉप तो नहीं है फिल्म लेकिन एक एवरेज ग्रोसर फिल्म साबित हुई है जहाँ पे आई से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है इकहत्तर वोट में सात के चार रेटिंग हासिल हुई है में से तो एक अच्छी रेटिंग है अब बात करें इस फिल्म को अब ओ और सेटेलाइट पे कैसे देख सकते हैं उसके ऊपर आई बी सेवन वन को एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते ओ टी में भी एक फ़िल्म काफ़ी अच्छी छाई हुई थी ओ टी टी राइट से वो डिज्नी प्लस वो स्टार के पास है सेटेलाइट राइट से वो स्टार गोल्ड के पास है डिजनी प्लस होस्टार वालों ने सात जुलाई दो से इस फिल्म को प्रीमियर करवा दिया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पर काफी अच्छी व्यूअरशिप हासिल हुई थी अब इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है फिलहाल में ओ टी के ऊपर तो डिजनी प्लस हॉस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में आई बी सेवन वन नाम के साथ आप देख सकते हो सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एच डी के ऊपर आप इस फिल्म को आई बी सेवन नाम वन नाम के साथ प्रीमियर होते हो बिल्कुल फ्री में भी एंजॉय कर पाओगे सैटेलाइट के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि डिजनी प्लस हॉस्टार के ऊपर इस फिल्म

इंडियन एयरलाइंस हाईजेकिंग जो हुई थी उसके ऊपर बेस्ड है जहाँ पे स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीजें संकल्प रेड्डी ने की हुई है वैसे स्क्रीन प्ले में संकल्प रेड्डी को स्टोरी हाउस फिल्म एलएलपी अर्जुन वर्मा ई वासुदेवा रेड्डी अरुण भीमावरपू ऋषिकेश मेहरा गर्गी सिंह और अभिमन्यु श्रीवास्तवा ने मदद की थी जो डायलॉग्स थे उसमें शहर और चुनेद ने काम किया हुआ था स्टोरी के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य शास्त्री ने वो आइडिया पेश किया हुआ था जिसमें बाद में आगे जो डेवलपमेंट थी वो की हुई थी इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि संकल्प रेड्डी ने संकल्प रेड्डी एक काफ़ी आ, एक कैपेबल डायरेक्टर है इससे पहले उन्होंने 2017 की जो द गाजी अटेक फिल्म थी उससे अपना डेब्यू किया था तेलगु हिंदी लैंग्वेज में वो फिल्म बनाई हुई थी उसके बाद में उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट हाथ में पकड़ा अंतरिक्ष सम नाइन हंड्रेड नाइन किलोमीटर पर आवर तेलुगु लैंग्वेज में वरुण तेज को लेते हुए उसमें भी एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म उन्होंने बनाई हुई थी बाद में दो में एक एंथोलॉजी फिल्म थी पिता कथा लो उसमें उन्होंने अपना एक शॉर्ट स्टोरी तेलुगु लैंग्वेज में बताया हुआ था पिंकी सेगमेंट था उसमें और उसके बाद में दो इसमें फुल फीचर हिंदी फिल्म के लिए उन्होंने राइटिंग और डायरेक्शन में अपना डेब्यू किया आई बी सेवन वन फिल्म के साथ तो ये इनकी फिल्मोग्राफी है इतनी फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है जिसमें उनको काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हुए इस फिल्म के अलावा उन्होंने गाजी फिल्म के लिए का काफ़ी सारे डायरेक्शन में और अलग अलग जगह पे अवार्ड मिले हुए थे जहाँ पे बेस्ट फीचर फिल्म तेलुगु के तौर पे नए सिक्सटी फिफ्थ नेशनल फिल्म अवार्ड इस फिल्म को दिया गया था तो ये अपने आप में बड़ी बात है थी एक अच्छा डेब्यू किया था उसके बाद में उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किया और इस फिल्म के साथ भी वो एक एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आए थे तो नाइनटी सेवेंटी इंडियन एयरलाइंस में जो हाईजेकिंग हुई थी उस समय जो भी घटनाएं घटी थी तो 30 जनवरी 1971 की डेट के ऊपर जो करीबन 29 नाइन पैसेंजर थे तो उनके साथ जो भी चीज़ें हुई थी उसके ऊपर पूरी फिल्म की कहानी को सेटअप किया हुआ है अब बात कर लेते हैं प्रोडक्शन की तो विद्युत जामवाल अब्बास सैयद रिलायंस एंटरटेनमेंट भूषण कुमार और कृष्णा कुमार ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे टी सीरीज फिल्म रिलायंस एंटरटेनमेंट एक्शन हीरो फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन अट्ठाईस करोड़ जितने मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था जिसको रिलायंस एंटरटेनमेंट जो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर थे उन्होंने डिस्ट्रीब्यू बिट करवाया हुआ था जहां पे रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा एक अच्छी रिलीज दिलवाई गई थी फिल्म फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से US सर्टिफिकेट मिला था 117 था मिनट का रन टाइम यानी कि घंटे और सत्तावन मिनट लंबी देखने को मिलेगी जहाँ पे संदीप फ्रेंस के, के एडिटर थे उन्होंने इस फिल्म को एडिट किया हुआ था तो फिल्म को काफी क्रिस्प रखा हुआ था आनंद शेखर वी एस की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है जिन्होंने बखूबी काफी बढ़िया तरीके से कैमरा वर्क दिखाने की कोशिश की हुई थी फिल्म का कैमरा वर्क भी अच्छा था एक्शन कोरियोग्राफी काफी बढ़िया तरीके से की गई थी इसके

भी एक अच्छा काम देखने को मिलता है एडिटर संदीप फ्रेंसिस ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ था म्यूजिक में जो बैकग्राउंड स्कोर है प्रशांत आर विहारी का देखने को मिलता है सॉन्ग्स वो विक्रम किए हुए हुए थे थे फिल्म में एक गाना था जिसको टी सीरीज वालों ने अपने पास राइट्स रखे बैकग्राउंड स्कोर के वहीं पर इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है जो सीन्स आ रहे थे जिस तरह से चीजों को दिखाया जा रहा था एक स्पाई थ्रिलर फिल्म थी तो उस हिसाब से जो सिक्वेंस थे उस सीन से थ्रिलिंग सीन स्पाई थ्रिलर के रिलेटेड उसमें जो बीजीएम था वो काफी बड़ा बढ़िया था जो काफी अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा था सीन को एलिवेट करने की कोशिश कर रहा था सॉन्ग्स थे विक्रम से के द्वारा कंपोज किए गए थे एक गाना को तो वो भी गाना अच्छा तरीके से सेट किया हुआ था तो इस तरह से टेक्निकली काफी वेलमेड तरीके से फिल्म को बनाया गया था जहां पर आर्टिस्ट जैसे कि विद्युत जामवाल अनुपम खेर विशाल जेतवा फैजाल खान और दैनिक सूरा जैसे कई और भी आर्टिस्ट देखने को मिलते जो काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ अपना काम देते हुए नजर आते विद्युत जामवाल काफी बढ़िया तरीके से अपने रोल के साथ इंप्रेसिव आते हैं उनको अनुपम खेर विशाल जेतवा जैसे एक्टर काफी थे सभी, के के तो ने, ने सभी चीजें उनसे अच्छी परफॉर्मेंसेस निकलवाई हुई थी कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो विद्युत जामवाल लीड रोल में देखने को मिलते है जिन्होंने आई एजेंट देव जामवाल का रोल प्ले किया हुआ है अनुपम खेर ने आई चीफ एन एस अवस्थी का रोल प्ले किया हुआ था विशाल जेतवा को कासिम कुरैसी का रोल दिया गया था फैजान खान ने फाक कुरैसी का रोल प्ले किया हुआ है डेनी सूरा को सिकंदर का रोल दिया हुआ था तो सूरज जोशी को एजेंट संग्राम का रोल दिया हुआ था अब्दुल हामिद खान के रोल में दिखाई देते असवद भट्ट ने इस फिल्म में आई चीफ अफजल आगा का रोल प्ले किया हुआ दलीप ताहिल इस फिल्म में जुल्फिकार अली भुट्टो का रोल प्ले करते हुए नज़र आए थे सानवान प्रधान ने इसमें यहा खान का रोल प्ले किया हुआ है मेर सार ने एस आई जे एंड के पुलिस का रोल प्ले किया हुआ था नरेश मलिक ने मकबूल भट्ट का रोल प्ले किया हुआ था निरहारी का आई बी एजेंट एयर होस्टेस के रोल में दिखाई देती है विजय आनंद जो इसमें फ्लाइट कैप्टन के रोल में दिखाई दिए थे तबन मजबूदार के रोल में शाहिदुर रहमान देखने को मिलते प्यारिली नाइनी ने इसमें शिमला स्टेशन मैनेजर का रोल प्ले किया हुआ है अमित आनंद राउत को लाहौर पुलिस ऑफिसर का रोल दिया गया था रजत रॉय को आईबी ऑफिसर का रोल दिया गया था नरिंदर भूतानी ने इसमें इंडियन एजेंट पैसेंजर का रोल प्ले किया हुआ है सवाना खान ने शिला यानी कि एक पैसेंजर का रोल प्ले किया हुआ था तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो दो हजार में इस आइडिया को एक प्रोजेक्ट के तौर पर डेवलप करने का सोचा गया था उसके बाद में इसके डिरेक्टर ने इस पहले तो ये डायरेक्टर को पसंद आया उन्होंने इसके ऊपर स्क्रिप्ट प्ले तैयार किया और उसके बाद में इस फिल्म के प्रोड्यूसर को उनको सुनाया और इस फिल्म के लीड एक्टर यानी कि विजय जामवाल को भी आइडिया पसंद आया प्रोडक्शन हाउसेस को भी पसंद आया उसके ऊपर फिल्म बनाने का फैसला लिया गया उसके बाद में एक रूमर्स तो आ रही थी कि ऐसा कुछ होने वाला है लेकिन बाद में ऑफिशियली मेकर्स के द्वारा ही अनाउंस किया गया था कि वो एक फिल्म लेके आ रहे हैं जहाँ पे प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो जनवरी 2022 मुंबई में स्टार्ट की गई थी और मार्च 2022 में अनुपम खेर ने सेट ज्वाइन किया था उसके बाद में एक दो महीने और शूटिंग चली थी और पूरी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करवाने के बाद फिल्म को प्रोडक्शन के लिए पोस्ट प्रोडक्शन के लिए भेजा गया जहाँ पर डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग और म्यूज़िक डिपार्टमेंट में काम किया गया और उसके बाद में फिल्म को तैयार करवाया गया जहाँ पर सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिया गया और बाद में थिएट्रिकली फिल्म रिलीज़ करवाया गया जहाँ पे म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के वन ऑफ द प्रोड्यूसर यानी कि टी सीरीज फिल्म से वही इस फिल्म को ये फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदते हुए नज़र आए बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों के राइट्स उन्होंने खरीदे हुए थे जहाँ पे जो गाने हैं वो विक्रम मोन्तोसा ने कंपोज किया हुआ था वहीं पर जो बैकग्राउंड स्कोर था वो प्रशांत आर बिहारी ने कंपोज़ किया हुआ था फिल्म में सिर्फ एक ही गाना रखा हुआ था विजया भावा जिसके लिरिक्स अभिनव शेखर ने लिखे हुए थे साहबदा फरीदी ने उसको गाया हुआ था चार मिनट ग्यारह सेकंड का वो लेंथ के गाना था जो अभी फिलहाल में अगर आपको सुनना है वीडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे टी सीरीज जब रिलीज किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हासिल हुआ फिल्म को जहाँ पे इकहत्तर सौ वोट फिल्म को एम पे मिले जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से तो एक अच्छी डिसेंट रेटिंग इस फिल्म ने हासिल की हुई थी जहाँ पे इस फिल्म ने एक डिसेंट काइंड ऑफ ओपनिंग हासिल की हुई थी जहाँ पे पहले दिन एक करोड़ पचपन लाख का नेट कलेक्शन किया था फिल्म ने दूसरे दिन इस फिल्म ने एक सिक्सटी परसेंट पर का ग्रोथ दिखाया दो करोड़ तिरपन लाख का ग्रोथ कलेक्शन सॉरी नेट कलेक्शन किया संडे के दिन फिल्म ने बाईस जितना और ग्रोथ दिखाया सैटरडे के मुकाबले जहाँ पे तीन करोड़ दस लाख का नेट कलेक्शन निकल के आया तो इस फिल्म का जो पहला वीकेंड था वो करीबन सात करोड़ अट्ठारह लाख का निकला हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने मंडे के

हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने सेकंड मंडे के ऊपर अट्ठावन लाख का नेट कलेक्शन किया ट्यूजे के ऊपर बावन लाख का नेट कलेक्शन के ऊपर पचास लाख का नेट कलेक्शन किया थर्सडे के ऊपर का नेट कलेक्शन किया जिसके चलते दूसरे वीक में इस फिल्म ने चार करोड़ चवालीस लाख का कलेक्शन किया तो पहले और दूसरे वीक का जो कलेक्शन था वो टोटल हुआ पंद्रह करोड़ पैंतालीस लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से उसके बाद में थर्ड फ्राइडे के ऊपर फिल्म ने अड़तीस लाख का नेट कलेक्शन किया सैटरडे के ऊपर करीब एक सौ जितना ग्रोथ दिखा जहां पे छियासी लाख का इस फिल्म ने लेक्शन किया संडे के दिन 94 फोर लेख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने थर्ड वीकेंड में करीबन दो करोड़ अट्ठारह लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में थर्ड मंडे के दिन इस फिल्म ने पैंतीस लाख का कलेक्शन किया उसके बाद में ट्यूडे के दिन अड़तीस लाख का कलेक्शन किया वेनेसडे के दिन थर्टी लाख का कलेक्शन किया और थर्सडे के दिन ट्वेंटी लाख का कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म ने करीबन तीन वीक के अंदर बीस लाख तीन लाख बीस करोड़ तीन लाख का कलेक्शन किया और उसके बाद में इस फिल्म ने चौथे वीक में एक भी भी करोड़ पिचासी लाख का कलेक्शन किया पांचवे वीक में एक करोड़ दस लाख का कलेक्शन किया और छठे वीक में पंद्रह लाख का कलेक्शन किया हुआ था तो इस टोटल कलेक्शन होता है छह वीक का तेईस करोड़ तेरह लाख तो इंडिया से तेईस करोड़ तेरह लाख का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन इस फिल्म ने निकाला जिसका ग्रोस होता है सत्ताईस करोड़ चौवन लाख उसके बाद में ओवरसीज में इस फिल्म ने एक करोड़ पैंसठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने उन्तीस करोड़ उन्नीस लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था बजट था अट्ठाइस करोड़ उन्तीस करोड़ उन्नीस लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए है। इस फिल्म ने एक एवरेज का टेग हासिल किया था वैसे फिल्म काफी बढ़िया थी लेकिन कुछ कंपटीशन थे फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पे जिसके चलते स्क्रीन कम मिली हुई थी स्टार्टिंग से ही फिल्म ने आपने देखा जैसे कि छह वीक तक लंबा रन लिया था थोड़ा थोड़ा कलेक्शन कर रही थी क्योंकि स्क्रीन्स जो मिली थी जो शो की टाइमिंग थी वो काफी ज्यादा और टाइमिंग थी जिसके चलते फिल्म को जो कलेक्शन करना था जो पोटेंशियल हो था फिल्म का वो नहीं हो पाया जिसके चलते अट्ठाईस करोड़ बजट के सामने उन्तीस करोड़ और उन्नीस लाख का ही कलेक्शन निकल के आया ग्रोस कलेक्शन अदरवाइज ये फिल्म शायद पचास करोड़ से ऊपर का पोटेंशियल रखती थी तो एक सक्सेसफुल फिल्म हो सकती थी वैसे फ्लॉप तो नहीं है फिल्म लेकिन एक एवरेज ग्रोसर फिल्म साबित हुई है जहाँ पे आईएमडीपी से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है इकहत्तर सौ वोट में सात पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से तो एक अच्छी रेटिंग है अब बात करें इस फिल्म को अब ओ और सैटेलाइट पर कैसे देख सकते हो उसके ऊपर आई बी सेवन वन को एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते ओ टी टी में भी एक फिल्म काफ़ी अच्छी छाई हुई थी ओ टी टी राइट से वो डिजनी प्लस वो स्टार के पास है सैटेलाइट राइट से वो स्टार गोल्ड के पास है डिजनी प्लस होस्टार वाला ने सात जुलाई 2023 से इस फिल्म को प्रीमियर करवा दिया था उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे काफी अच्छी व्यूअरशिप हासिल हुई थी अब इस फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है फिलहाल में ओटी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर इंग्लिश तो में आई बी सेवन वन नाम के साथ आप देख सकते हो सैटेलाइट चैनल स्टार गोल और स्टार गोल एच के ऊपर आप इस फिल्म को आई बी सेवन वन नाम, नाम के साथ प्रीमियर होते हुए हो। बिल्कुल फ्री में भी इंजॉय कर पाओगे सेटेलाइट के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर इस फिल्म

इंडियन एयरलाइंस हाईजेकिंग जो हुई थी उसके ऊपर बेस्ड है जहाँ पे स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें संकल्प रेड्डी ने की हुई है वैसे स्क्रीन प्ले में संकल्प रेड्डी को स्टोरी हाउस फिल्म एलएलपी अर्जुन वर्मा ई वासुदेवा रेड्डी अरुण भीमावरपू निशिकेश मेहरा गर्गी सिंह और अभिमन्यु श्रीवास्तवा ने मदद की थी जो डायलॉग्स से उसमें शहर कायज और चुनेद वासी ने काम किया हुआ था स्टोरी के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य शास्त्री ने वो आइडिया पेश किया हुआ था जिसमें बाद में आगे जो डेवलपमेंट थी वो की हुई थी इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि संकल्प रेड्डी ने संकल्प रेड्डी एक काफ़ी आ, एक कैपेबल डायरेक्टर है इससे पहले उन्होंने 2017 की जो द गाजी अटिक फिल्म थी उससे अपना डेब्यू किया था तेलुगु हिंदी लैंग्वेज में वो फिल्म बनाई हुई थी उसके बाद में उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट हाथ में पकड़ा अंतरिक्ष सम नाइन हंड्रेड नाइन किलोमीटर पर आवर तेलुगू लैंग्वेज में वरुण तेज को लेते हुए उसमें भी एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म उन्होंने बनाई हुई थी बाद में दो में एक एंथोलॉजी फिल्म थी पिता कथा लो उसमें उन्होंने अपना एक शॉर्ट स्टोरी तेलुगु लैंग्वेज में बताया हुआ था पिंकी सेगमेंट था उसमें और उसके बाद में दो में फुल फ़ीचर हिंदी फिल्म के लिए उन्होंने राइटिंग और डायरेक्शन में अपना डेब्यू किया आई बी सेवन वन फिल्म के साथ तो ये इनकी फिल्मोग्राफी है इतनी फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है जिसमें उनको काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हुए इस फिल्म के अलावा उन्होंने गाजी फिल्म के लिए काफ़ी सारे डिरेक्शन में और अलग अलग जगह पे अवार्ड मिले हुए थे जहाँ पे बेस्ट फीचर फिल्म तेलुगू के तौर पे नए सिक्सटी फिफ्थ नेशनल फिल्म अवार्ड इस फिल्म को दिया गया था तो ये अपने आप में बड़ी बात है थे एक अच्छा डेब्यू किया था उसके बाद में उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए और इस फिल्म के साथ भी वो एक एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आए थे तो नाइनटीन इंडियन एयरलाइंस में जो हाईजेकिंग हुई थी उस समय जो भी घटनाएं घटी थी तो 30 जनवरी 1971 की डेट के ऊपर जो करीबन 29 पैसेंजर थे तो उनके साथ जो भी चीज़ें हुई थी उसके ऊपर पूरी फिल्म की कहानी को सेटअप किया हुआ है अब बात कर लेते हैं प्रोडक्शन की तो विद्युत जामवाल अब्बास सैयद रिलायंस एंटरटेनमेंट भूषण कुमार और कृष्णा कुमार ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहां पे टी सीरीज फिल्म्स रिलायंस एंटरटेनमेंट एक्शन हीरो फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन अट्ठाईस करोड़ जितने मीडियम बजट के साथ बनाया हुआ था जिसको रिलायंस एंटरटेनमेंट जो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर थे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था जहाँ पे रिलायंस एंटरटेनमेंट के द्वारा एक अच्छी रिलीज दिलवाई गई थी फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला था एक मिनट का रन टाइम था यानी कि ये फिल्म एक घंटे और सत्तावन मिनट लंबी देखने को मिलेगी जहां पे संदीप फ्रेंसिस जो इस फिल्म के एडिटर थे उन्होंने इस फिल्म को एडिट किया हुआ था तो फिल्म को काफी क्रिस्प रखा हुआ था आनंद शेखर वी एस की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है जिन्होंने बखूबी काफी बढ़िया तरीके से कैमरा वर्क दिखाने की कोशिश की हुई थी फिल्म का कैमरा वर्क भी अच्छा था एक्शन कोरियोग्राफी काफी बढ़िया तरीके से की गई थी इसके अलावा जिस तरह से चीज़ों को इसमें डेवलप किया हुआ था वो बढ़िया था स्क्रीन प्ले अच्छा था मेकर्स की तरफ से एक अच्छा इसको टच दिया हुआ था डायरेक्टर ने बखूबी इस फिल्म के साथ एक बढ़िया काम किया हुआ था कुछ चीजें जहाँ पे कुछ फ्लो में चेंजेस करने चाहिए थे कुछ चीजों को बेटर किया जा सकता था ओवरऑल एक डिसेंट फिल्म उन्होंने बनाई हुई थी जहां पे इस फिल्म का स्टोरी था जो स्क्रीन प्ले था वो लोगों को पसंद आया हुआ था प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक अच्छा काम देखने को मिला था प्रोडक्शन डिजाइन प्रोडक्शन वेल्यू काफी बढ़िया नजर आ रही थी आर्ट डायरेक्शन की तरफ से भी एक अच्छा काम देखने को मिलता है एडिटर संदीप फ्रेंसिस ने भी काफी बढ़िया काम किया हुआ था म्यूजिक में जो बैकग्राउंड स्कोर है प्रशांत आर बिहारी का देखने को मिलता है सॉन्ग से वो विक्रम मंत्रोसो ने कम्पोज किए हुए

किया हुआ था तो इस तरह से टेक्निकली काफी वेलमेड तरीके से फिल्म को बनाया गया था जहां पे आर्टिस्ट जैसे कि जामवाल अनुपम खेर विशाल जेतवा फैजाल सूरा जैसे कई और भी आर्टिस्ट देखने को मिलते जो काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म के साथ अपना काम देते हुए नजर आते विद्युत जामवाल काफी बढ़िया तरीके से अपने रोल के साथ इंप्रेसिव नजर आते उनको अनुपम खेर विशाल जेतवा जैसे एक्टर काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म में सपोर्ट कर रहे थे फिल्म के डायलॉग्स अच्छे थे उस पर सभी एक्टर्स ने जिस तरह से अपने किरदार के तर प्रति अप्रोच तो वो बढ़िया था मेकर्स ने डायरेक्टर ने काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने ये सभी चीजें उनसे अच्छी परफॉर्मेंसेस निकलवाई हुई थी कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो विद्युत जामवाल लीड रोल में देखने को मिलते जिन्होंने आई एजेंट देव जामवाल का रोल प्ले किया हुआ है अनुपम खेर ने आई चीफ एन एस अवस्थी का रोल प्ले किया हुआ था विशाल जेतवाग तो को कासिम कुरैसी का रोल दिया गया था फैजान खान ने अश्फाक कुरैसी का रोल प्ले किया हुआ है सूरा को सिकंदर का रोल दिया हुआ था सूरज जोशी को एजेंट संग्राम का रोल दिया हुआ था होबीद अली अब्दुल हामिद खान के रोल में दिखाई देते असवत भट्ट ने इस फिल्म में आई चीफ अफजल आगा का रोल प्ले किया हुआ दलीप ताहिल इस फिल्म में जुल्फीखार अली भुट्टो का रोल प्ले करते हुए नजर आए थे सानवान प्रधान ने इसमें यहाँ खान का रोल प्ले किया हुआ मीर सारवार ने एस आई जे एंड के पुलिस का रोल प्ले किया हुआ था नरेश मलिक ने मकबूल भट्ट का रोल प्ले किया हुआ था निरहारी का राईजादा जो आई एजेंट एयर होस्टेस के रोल में दिखाई देती है विजय आनंद जो इसमें फ्लाइट कैप्टन के रोल में दिखाई देते थे तबन मजमूदार के रोल में शाहिदुररहमान देखने को मिलते प्यारिली नाइनी ने इसमें शिमला स्टेशन मैनेजर का रोल प्ले किया हुआ है अमित आनंद राउत को लाहौर पुलिस ऑफिसर का रोल दिया गया था रजत रॉय को आईबी ऑफिसर का रोल दिया गया था नरेंद्र भूतानी ने इसमें इंडियन एजेंट पैसेंजर का रोल प्ले किया हुआ है सवाना खान ने शिला यानी कि एक पैसेंजर का रोल प्ले किया हुआ था तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो दो हजार में इस आइडिया को एक प्रोजेक्ट के तौर पर डेवलप करने का सोचा गया था उसके बाद में इस के डरेक्टर ने पहले तो आइडिया डायरेक्टर को पसंद आया उन्होंने इसके ऊपर स्क्रिप्ट प्ले तैयार किया और उसके बाद में इस फिल्म के प्रोड्यूसर को उनको सुनाया और इस फिल्म के लीड एक्टर यानी कि विजय जामवाल को भी आइडिया पसंद आया प्रोडक्शन हाउसेज को भी पसंद आया उसके ऊपर फिल्म बनाने का फैसला लिया गया उसके बाद में एक रूमर्स तो आ रही थी कि ऐसा कुछ होने वाला है लेकिन बाद में ऑफिशियली मेकर्स के द्वारा ही अनाउंस किया गया था कि वो एक फिल्म लेके आ रहे हैं जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो जनवरी 2022 मुंबई में स्टार्ट की गई थी और मार्च 2022 में अनुपम खेर ने सेट ज्वाइन किया था उसके बाद में एक दो महीने और शूटिंग चली थी और पूरी फिल्म की शूटिंग कम्प्लीट करवाने के बाद फिल्म को प्रोडक्शन के लिए पोस्ट प्रोडक्शन के लिए भेजा गया जहाँ पर डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग एडिटिंग और म्यूज़िक डिपार्टमेंट में काम किया गया और उसके बाद में फिल्म को तैयार करवाया गया जहाँ पर सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिया गया और बाद में थिएट्रिकली फिल्म को रिलीज़ करवाया गया जहाँ पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म के वन ऑफ द प्रोड्यूसर यानी कि टी सीरीज फिल्म वही इस फिल्म को फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदते हुए नज़र आए बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों के राइट्स उन्होंने खरीदे हुए थे जहाँ पे जो गाने हैं वो विक्रम मोन्त्रसे ने कंपोज किया हुआ था वहीं पर जो बैकग्राउंड स्कोर था वो प्रशांत आर विहारी ने कंपोज किया हुआ था फिल्म में सिर्फ एक ही गाना रखा हुआ था विजया भावा जिसके लिरिक्स अभिनव शेखर ने लिखे हुए थे साहबादा फरीदी ने उसको गाया हुआ था चार मिनट ग्यारह सेकंड का वो लेंथ के गाना था जो अभी फ़िलहाल में अगर आपको सुनना है वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे टी सीरीज में क्योंकि ऑफिशियली यूट्यूब चैनल के ऊपर अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की रिलीज के ऊपर जहां पे इस फिल्म को 12 मई 2023 को थिएटर में, में रिलीज किया गया था हिंदी लैंग्वेज में जब रिलीज किया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस हासिल हुआ फिल्म को जहां पे 7100 वोट फिल्म को IMDb पे मिले जिसमें 7.4 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से तो एक अच्छी डिसेंट्रिक इस फिल्म ने हासिल की हुई थी जहाँ पे इस फिल्म ने एक डिसेंट काइंड ऑफ ओपनिंग हासिल की हुई थी जहाँ पे पहले दिन एक करोड़ पचपन लाख का नेट कलेक्शन किया था फिल्म ने दूसरे दिन इस फिल्म ने एक परसेंट का ग्रोथ दिखाया दो करोड़ तिरपन लाख का ग्रोथ कलेक्शन सॉरी नेट कलेक्शन किया संडे के दिन फिल्म ने बाईस जितना और ग्रोथ दिखाया सैटरडे के मुकाबले जहाँ पे तीन करोड़ दस लाख का नेट कलेक्शन निकल के आया तो इस फिल्म का जो पहला वीकेंड था वो करीबन सात करोड़ अट्ठारह लाख का निकला हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने मंडे के

हुआ था उसके बाद में इस फिल्म ने सेकंड मंडे के ऊपर अट्ठावन लाख का नेट कलेक्शन किया टूजे के ऊपर बावन लाख का नेट कलेक्शन के ऊपर पचास लाख का नेट कलेक्शन किया थर्सडे के ऊपर का नेट कलेक्शन किया जिसके चलते दूसरे वीक में इस फिल्म ने चार करोड़ चवालीस लाख का कलेक्शन किया तो पहले और दूसरे वीक का जो कलेक्शन था वो टोटल हुआ पंद्रह करोड़ पैंतालीस लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से उसके बाद में थर्ड फ्राइडे के ऊपर फिल्म ने अड़तीस लाख का नेट कलेक्शन किया सैटरडे के ऊपर उसमें करीबन एक जितना ग्रोथ दिखा जहां पे छियासी लाख का इस फिल्म ने कलेक्शन किया संडे के दिन 94 फोर लेख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने थर्ड वीकेंड में करीबन दो करोड़ अट्ठारह लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था उसके बाद में थर्ड मंडे के दिन इस फिल्म ने पैंतीस लाख का कलेक्शन किया उसके बाद में ट्यूजडे के दिन अड़तीस लाख का कलेक्शन किया वेनेस्डे के दिन थर्टी लाख का कलेक्शन किया और थर्सडे के दिन ट्वेंटी लाख का कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म ने करीबन तीन वीक के अंदर बीस लाख तीन लाख बीस करोड़ तीन लाख का कलेक्शन किया और उसके बाद में इस फिल्म ने चौथे वीक में करोड़ पिचासी लाख का कलेक्शन किया पांचवे वीक में एक करोड़ दस लाख का कलेक्शन किया और छठे वीक में पंद्रह लाख का कलेक्शन किया हुआ था तो इस टोटल कलेक्शन होता है छ वीक का तेईस करोड़ तेरह लाख तो इंडिया से तेईस करोड़ तेरह लाख का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन इस फिल्म ने निकाला जिसका ग्रोस होता है सत्ताईस करोड़ चौवन लाख उसके बाद में ओवरसीज में इस फिल्म ने एक करोड़ पैंसठ लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते वर्ल्ड वाइड इस फिल्म में उन्तीस करोड़ उन्नीस लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था बजट था अट्ठाइस करोड़ उन्तीस करोड़ उन्नीस लाख का ग्रोस कलेक्शन करते है इस फिल्म ने एक एवरेज का टैग हासिल किया था वैसे फिल्म काफी बढ़िया थी लेकिन कुछ कंपटीशन थे फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस पे जिसके चलते कम मिली हुई थी स्टार्टिंग से ही फिल्म ने आपने देखा जैसे कि छह वीक तक लंबा रन लिया था थोड़ा थोड़ा कलेक्शन कर रही थी क्योंकि स्क्रीन जो मिली थी जो शो की टाइमिंग थी वो काफी ज्यादा ओवर टाइमिंग थी जिसके चलते फिल्म को जो कलेक्शन करना था जो पोटेंशियल हो था फिल्म का वो नहीं हो पाया जिसके चलते अट्ठाईस करोड़ बजट के सामने उनतीस करोड़ और उन्नीस लाख का कलेक्शन निकल के आया ग्रोस कलेक्शन अदरवाइज ये फिल्म शायद पचास करोड़ से ऊपर का पोटेंशियल रखती थी तो एक सक्सेसफुल फिल्म हो सकती थी वैसे फ्लॉप तो नहीं है फिल्म लेकिन एक एवरेज ग्रोसर फिल्म साबित हुई है जहाँ पे आई से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है इकहत्तर सौ वोट में सात के रेटिंग हासिल हुई है में से तो एक अच्छी रेटिंग है अब बात करें इस फिल्म को अब ओ और सैटेलाइट पे कैसे देख सकते हैं उसके ऊपर आई बी सेवन वन को एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते ओ टी टी में भी एक फिल्म काफ़ी अच्छी छाई हुई थी ओ टी टी राइट से वो डिजनी प्लस वो स्टार के पास है सैटेलाइट राइट से वो स्टार गोल्ड के पास है डिजनी प्लस होस्टार वाला ने सात जुलाई 2023 से इस फिल्म को प्रीमियर के ऊपर जहां आपको ऑफिशियली देखना है में, के तो Plus oh के subtitle, हिंदी वर्जन में वन नाम के साथ आप देख सकते हो सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार्ड एच के ऊपर आप इस फिल्म को आई बी सेवन नाम के साथ प्रीमियर होते हुए हो, बिल्कुल फ्री में भी इंजॉय कर पाओगे के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर इस

के ऊपर जो भी मेरे पास इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म को कैसे कहाँ पे ऑफिशियली आप ओ टी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्जॉय कर सकते हो उसकी जानकारी दी हुई है प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और बॉक्स ऑफिस के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है जहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर डीप में एनालिसिस की हुई है फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा की हुई है आर्टिस्ट के परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत की हुई है फिल्म का डीप रिव्यू किया हुआ है जहाँ पर मैंने अलग अलग स्पेक्ट के ऊपर चर्चा की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी डीप में जानकारी दे दी है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू